महावीर भगवान की जय। सभी प्रार्थना के लिए आवश्यक रूप से सावधान हो जाएं। बोल भगवान महावीर स्वामी की जय। नमो अरिहंतानम नमो सीतानम नमो अरिहंतानम नमो अजायानम नमो लोये सर्वसाहूनम एसो पंच नमकारो सर्वताव प्रणाशो मंगलारंच सावे हमने इन दो सर में सिर्फ बात कल एक डेढ़ महीने में 1500 मेंबर बनाए और अगर आप लोगों का हमारे पास आशीर्वाद रहा तो इन दो सर का 50,000 मेंबर बनाएंगे। बहुत सुंदर हाथ इसको सीधा हो सकता है कि बहुत सुंदर भैया सामने से प्लीज हट जाइए सामने नहीं आएंगे। नमो सीतारम नमो नमो आज के आनंद की जय। प्लीज सर ऐसा रहने दीजिए 1 सेकंड के लिए प्लीज बस सामने सामने सो मच डन। तो यहाँ अतिरिक्त सदस्य हैं उन्हें सबको सभागृह में भेज दें। थोड़ा सा आप व्यक्तिगत जानते हैं जो यहाँ केवल विचरण कर रहे हैं उनका सभागृह में यदि सामने बैठकर यदि सभा का आनंद लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा और हमारे समस्त राजनीतिक हस्तियों का उत्साहवर्धन वे सभागृह में विराज कर करें। समस्त आने वाले अतिथियों का पुनः स्वागत है अभिनंदन है सबका स्वागत है सब कृपया आधारें पधारें एवं सम्मानपूर्वक अपना स्थान ग्रहण करें। हमारे इंदौर की राजनीतिक हस्ती राजीव जी जैन पार्षद का भी स्वागत है अभिनंदन है। दद्दू किशन का ले लिया है क्योंकि हमारे जियो के राष्ट्रीय पदाधिकारी जैन फोरम के राष्ट्रीय पदाधिकारी महासभा के राष्ट्रीय पदाधिकारी अनेक श्वेतांबर दिगंबर संस्थाओं के पदाधिकारी यहाँ पधारे हैं और उन सब ने इस अधिवेशन को गौरव प्रदान किया है। ऐसा संयुक्त ये जो जैन संगठन और जैन समर्पण है राजनीतिक हस्तियों के लिए वो काबिले तारीफ है और उन सब की ओर से मैं पुनः आप सबका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। आज का जो ये अधिवेशन है उसका शुभारंभ हमने अभी कुछ समय पहले ही झंडा वंदन से किया है। आज के हमारे जो झंडा वंदन करता थे या झंडा वंदन करता हैं आदरणीय श्रीमान राजेंद्र जी महाजन साहब आप थोड़ा खड़े होकर सबका अभिवादन स्वीकार करें। आदरणीय राजेंद्र जी महाजन इंदौर की जैन समाज की बहुत बड़ी हस्ती शिक्षाविद हैं माइनॉरिटी के एक्सपर्ट हैं वे धार्मिक और सामाजिक राजनीतिक आदि अनेक संस्थाओं में अनेक पद को धारण करते हैं और साथ में बहुत सक्रिय व्यक्तित्व हैं। ऐसे की सहायता करने के लिए वो हमेशा लालयित रहते हैं। हमने तिलक नगर में एक पंच कल्याणक प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव किया था मैं उसका अध्यक्ष था। मैं नहीं जानता था कि आप नीचे खड़े रहो ना यहाँ आप सबको बुलाना ऊपर यहाँ खड़े रहो हाथ जोड़ो खाली खड़े रहो।
तो महाजन साहब का सीधा फोन आ गया कि भाई हसमुख जी इतना बड़ा आयोजन कर रहे हो, हम भी पड़ोस में ही रहते हैं। अरे मैंने कहा क्या बात है, नहीं कि बोले मेरा पूरा स्कूल खुला है, आप सभी अतिथियों को महाराज साहब को सबको यहाँ विराजमान कराओ। तो हम गदगद हो गए कि क्या ऐसा पुरित और आगे हो के सम्मान देने वाले हमारे महाजन जी, और उनके साथ आज अचल जी चौधरी भी थे जिन्होंने आज झंडारोहण किया। मैं आप दोनों हस्तियों का स्वागत अभिनंदन करता हूँ, और आज हम इस सभा का शुभारम्भ मंच आमंत्रण से करते हैं। मैं हमारे मध्य प्रदेश प्रादेशिक अध्यक्ष श्री सुभाष काला जी से निवेदन करता हूँ कि वे वहीं रुकें और सभी हमारे जो अतिथि हैं उन्हें सम्मान पूर्वक मंच की ओर अग्रेसित करें। मैं एक एक हमारे अतिथि का सम्मान पूर्वक नाम ले रहा हूँ। इस मंच आमंत्रण में हम समय बहुत कम गुजारेंगे और उन्हें सम्मान पूर्वक केवल हमारे अध्यक्ष श्री और मनिया जी साथ में हैं, दोनों सबका स्वागत करते हैं और मंच पर रहेंगे। और मंच पर श्री होलास जी सोनी, कमलेश जी कासलीवाल, गौतम जी जैन, कृपया सबको सम्मान पूर्वक उनके उचित स्थान पर स्थान ग्रहण करवाने में मदद प्रदान करेंगे। मैं अब सबसे पहले सुभाष काला जी को निवेदन करता हूँ कि आप तो आ चुके मान लो और पहले सम्मान आप करें। मैं अब आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान अशोक जैन बड़जातिया, इंदौर राष्ट्रीय संरक्षक, कृपया उनका स्वागत करें और उन्हें मंच पर लेके आए। श्री अशोक जैन बड़जातिया, मैं निवेदन कर रहा हूँ जैन राजनीतिक चेतना मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान गजराज जी गंगवाल दिल्ली को, वे कृपया पधारें और मंच की शोभा बढ़ाएं। आदरणीय गजराज जी जैन गंगवाल, एक 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 उधर खड़े हो जाओ, राजकुमार जी आप उधर खड़े हो जाओ, सबको सम्मान पूर्वक मंच तक अग्रेसित करें। मैं निवेदन कर रहा हूँ जैन समाज की बहुत बड़ी संस्था जीतो भी है और एक जियो भी संस्था है, उस जियो के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान घेवरचंद जी साहब बोहरा मुंबई से, वे आज के हमारे मुख्य अतिथि हैं, उनको मुख्य अतिथि हैं, उन्हें सम्मान पूर्वक मंच पर लाने का, और सुभाष जी उनका स्वागत प्रवेश द्वार पर करें। मैं निवेदन कर रहा हूँ श्रीमान प्रकाश जी बड़जातिया चेन्नई से, वे राष्ट्रीय महामंत्री हैं दिगंबर जैन महासभा के और हमारे राजनीतिक चेतना मंच के भी प्रमुख हैं, अनेक संस्थाओं के प्रमुख हैं, कृपया प्रकाश जी बढ़ जाते को लाएं। मैं अब आमंत्रित कर रहा हूँ चाणक्य, राजनीति के चाणक्य श्रीमान चंद्रराज जी जैन सिंघवी जयपुर को, कृपया पधारें और मंच की शोभा बढ़ाएं। श्रीमान चंद्रराज जी जैन सिंघवी, आप सबका स्वागत, हमारे अतिथि, हमारे जो इस आयोजन के अधिवेशन के जो प्रमुख हैं जिन्होंने इस आयोजन को पूर्ण करवाने में पिछले एक महीने से तैयारी में जुटे हैं, वो कार्यकर्ता सभी आप सबका स्वागत और सम्मान कर रहे हैं। अब मैं निवेदन कर रहा हूँ काका, ऐसे कुछ नाम आपने सुने होंगे काका, कई बड़े बड़े हस्तियों के साथ काका, लेकिन एक बड़ी हस्ती है कोटा की, उनका नाम है हुकम जैन काका। मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ, राजनीतिक हस्ती और दबंग व्यक्तित्व श्री हुकम जैन काका, कृपया पधारे हमारे राजनीतिक चेतना मंच के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष। और अब मैं इस सारे आयोजन को केंद्रीय रूप से संभालने वाले महामंत्री श्रीमान ललित जी जैन झांसी को मैं आमंत्रित करता हूँ कि कृपया पधारे हैं श्रीमान ललित जी जैन झांसी। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ इसी तरह जियो के राष्ट्रीय व्यक्तित्व आदरणीय प्रकाश जैन चोपड़ा, ग्लोबल डायरेक्टर हैं जियो के, कृपया मंच पर पधारें। और उसके साथ ही मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान मणिंद्र जी जैन दिल्ली, जियो के सबसे बड़े अधिकारी होने के साथ जीतो महासमिति आदि अनेक संस्थाओं के, बड़ी यदि अभी संस्थाओं की बात करूंगा तो कल सवेरे का टाइम हो जाएगा, इतनी संस्थाओं के श्री मणिंद्र जी जैन दिल्ली से बता रहे हैं, उनका स्वागत है, अभिनंदन है। श्री दीपक जी जैन तीनू और श्री प्रकाश जी भटवेरा यदि सभागृह में पधार गए हों, आदरणीय प्रकाश जी भटवेरा और दीपक जी तीनू, कृपया मंच पर बता रहे हैं। मैं आमंत्रित करता हूँ इंदौर में एक बड़ी संस्था जैन फोरम, उसके अध्यक्ष श्री अशोक जी मेहता, उन्हें स्वागत निमंत्रण है कि वे कृपया ऊपर पधारें। मैं निवेदन कर रहा हूँ श्रीमान संजय जी जैन पाटिल, पूर्व विधायक बेलगांव कर्नाटक के, वे कृपया आए, इतनी दूर से वे आए और बहुत अच्छे वक्ता हैं और राजनीति की जबरदस्त पकड़ है उन्हें, श्री संजय जैन पाटिल बेलगांव। उस बीच में आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमती अर्चना जी जैन खुरई, नीति आयोग की वह सदस्य नियुक्त की गई अभी अभी, एक करतल ध्वनि बनती है आदरणीय अर्चना जी के लिए,
एक बहुत बड़ी उपलब्धि, नीति आयोग में कुछ ही सदस्य होते हैं उसमें से अर्चना जी को ये सौभाग्य प्राप्त हुआ है और ये केंद्रीय स्तर पर एक मिनिस्टर के इक्विवेलेंट पद है, उन्हें मैं निवेदन कर रहा हूँ कि अर्चना जी जैन खुरई से कृपया, वे नीति आयोग की सदस्य हैं, उन्हें सादर निवेदन है। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ पूर्व विधायक कटनी से पधारे सुकीर्ति जी जैन को, वे कृपया पधारे, सुकीर्ति जी जैन पूर्व विधायक कटनी। मैं निवेदन कर रहा हूँ विनोद जैन खरगोन को कि वे कृपया पधारे, हमारे जैन राजनीतिक चेतना मंच के प्रमुख हैं, महामंत्री, यस। यदि हमारे दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राकेश विनायक का पधार गए हो तो उनसे निवेदन है कि वे कृपया मंच की ओर अग्रसित हों। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, ये जो जितने कैमरे लगे हैं ना और टीवी पर, आजकल टीवी पर 24 घंटे कोई प्रसारण करना बहुत बड़ी बात होती है और उसके लिए दिल्ली से पधारे हुए हमारे महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्रीमान पवन गोधा दिल्ली, वे कृपया पधारे। पवन जी गोधा, हाँ हाँ यस सर, आइए, आपका स्वागत है। और अब मैं प्रदीप पाटनी जी लखनऊ, आदरणीय सुभाष काला जी, प्रदीप पाटनी जी लखनऊ पधार गए, उनकी समाचार तो आ चुका था कि वो आ गए हैं। मैं निवेदन कर रहा हूँ जैन फोरम इंदौर के प्रमुख और हमारी जैन एकता के एक सेतु के रूप में जो स्थापित हैं और राजनीति में अच्छी पकड़ रखने वाले श्रीमान निर्मल जी कासलीवाल इंदौर, कृपया वे मंच पर पधारें। आप सब लोग ये ध्यान रखें, मैं किसी का भी नाम नहीं पुकार रहा हूँ जो स्वागत कर रहे हैं, बस ये आप समझ लीजिए। ये लोग दिन रात 24 घंटे लगे हैं लेकिन एक का भी नाम नहीं पुकारा जा रहा, प्रदीप गंगवाल का भी नाम नहीं ले रहा हूँ जो केवल इस कार्यक्रम के लिए ही पूरे एक महीने समर्पित थे। पद्मा जी भोजे पधार जाएं और हमारी अर्चना जी का स्वागत करेंगे, श्रीमती पद्मा जी भोदे पूर्व पार्षद। कमलेश जी, ये सभी हमारे जो हमें कार्यकर्ता शब्द थोड़ा कमजोर लग रहा है, लीडर हैं ये, इन लीडर्स को सबसे निवेदन करें कि सबका स्वागत बराबर ससम्मान यहाँ पर करें। मैं निवेदन कर रहा हूँ शैलेन जी जैन सागर, पूर्व मंत्री यदि पधार चुके हों तो उनसे सादर निवेदन है कि वे कृपया मंच की ओर अग्रसित हों। श्रीमती पुष्पा जी कासलीवाल, दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन की राष्ट्रीय शिरोमणि संरक्षिका, कृपया पधारें। श्रीमान शरद जी जैन जबलपुर, चाहते हो नहीं खुद ने बोला हुआ नहीं, हमारा राजकुमार जी काला से, क्या नाम उनका, सुभाष जी काला, श्रीमान शरद जी जैन जबलपुर। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे संरक्षक श्रीमान हेमचंद जी साहब झांझरी, श्रीमान हेमचंद जी साहब झांझरी संरक्षक, कृपया मंच पर पधारें। श्रीमान होलास जी सोनी, इस कार्यक्रम के अधिवेशन की जो रीढ़ की हड्डी है, ऐसे होलास जी सोनी जो राजनीति में भी सक्रिय हैं, पूर्व पार्षद हैं, ऐसे श्रीमान होलास जी सोनी, कृपया पधारे। हेमचंद जी साहब पधार गए हैं, वे उन सिद्ध क्षेत्र के अध्यक्ष के साथ ही अनेक श्री दिनेश जी बोस विधायक महितपुर, बिल्कुल स्वागत है निर्मल जी, उन्हें मंच पर लाएं, श्रीमान दिनेश जी बोस विधायक महितपुर। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री प्रदीप जी गंगवाल, एक बार आप चेयर ले लें, आप बैठ तो नहीं पाओगे लेकिन आप चेयर ले लें एक बार, प्रदीप जी गंगवाल हमारे इस कार्यक्रम के मुख्य संयोजक। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान कमलेश जी कासलीवाल, वो पूरी स्वागत व्यवस्था को संभाले हुए हैं, दिगंबर जैन सोशल ग्रुप के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और अनेक संस्थाओं में मकसदीन प्रमुख हैं। कमलेश जी एक बार आपकी सीट जरूर ले लीजिएगा चूंकि आपको काम में व्यस्त रहना है। श्री निर्मल जी सेठी पूर्व अध्यक्ष फेडरेशन, कृपया मंच पधारे। श्री अखिलेश जी शाह जो राजनीति के उभरते हुए नक्षत्र हैं, बहुत मेहनत करते हैं और नाम नहीं चाहते हैं लेकिन टिकट के बहुत बड़े दावेदार हैं और आज इस हमारे अधिवेशन के प्रमुख सहयोगी हैं, श्री अखिलेश जी शाह। श्री अमिताभ जी मन्नैया हमारे कोषाध्यक्ष, आप भी काम में मस्त है लेकिन एक बार जरूर स्थान ग्रहण कर लें। श्रीमान नरेंद्र जी वैद, दिगंबर जैन सामाजिक संसद के वे अध्यक्ष हैं, अच्छा नरेंद्र जी वैद को शायद आँख की दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, हाँ
हमारे प्रमुख राजेश जी चेलावत अग्निबाण कितने बजे आ रहे हैं? थोड़ी लेट आएंगे, ठीक है। हमारे एक और प्रमुख श्री गौतम जी जैन, जो अभी ऊपर काम में ही पूरी तरह से अपना समय दे रहे हैं। गौतम जैन हमारी प्रमुख रीढ़ की हड्डी हैं, जो इस पूरे अधिवेशन को सफल बनाने में दिन रात लगे हुए हैं। मनोज जैन MR अभी शायद भोपाल से पहुंचे नहीं हैं, जो हमारे आज के दीप प्रज्वलन करता थे। मैं अब आमंत्रित कर रहा हूं श्री मुकेश जी चेलावत, अध्यक्ष राजस्थान राजनीतिक चेतना मंच, कृपया मंच पर पधारे। और श्रीमान सुमत जी लल्ला नागपुर महाराष्ट्र के राजनीतिक चेतना मंच के अध्यक्ष, कृपया दोनों आप मंच पर पधारे। इस सूची में यदि कोई नाम रह गया हो तो मैं चाहूंगा कि श्री सुभाष जी काला एवं श्री कमलेश जी कासलीवाल तक कोई नाम पहुंचा दें और हम उन्हें ससम्मान हाथ जोड़कर विनम्रतापूर्वक उन्हें मंच पर सादर आमंत्रित करेंगे। हो सकती है कोई चूक लिखने में या आपकी सूचना नहीं प्राप्त होने पर रह गई होगी, मैं उनसे निवेदन। अब मैं सुभाष जी काला से निवेदन करता हूँ। हाँ, दो व्यक्ति इसमें रह जाएंगे, श्री सुभाष जी काला जिस जो पूरे इस आयोजन की ऊर्जा हैं, उनको मैं आप ससम्मान मंच पर आमंत्रित करता हूँ। आप सबकी ओर से कृपया कर्तव्य ध्वनि से उनका स्वागत करें। अरे वो यू बोल रहे मैं आया इसीलिए मनीष नायक है ना, वो सड़क से एक और व्यक्ति रह गया है, श्री हसमुख जी गांधी, जो आप देख रहे हैं। हेलो, हसमुख जी गांधी, मैं चाहता तो ये पहना देता, मेरा आइडेंटिटी कार्ड पर थोड़ा गलत हो जाएगा, इसलिए उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। अरे हाँ, प्रकाश जी भटवारा अब पधार चुके हैं, स्वागत। क्यों टीनू भी आ गए क्या? टीनू जी, दीपक भैया, हाँ विधानसभा एक में सही में अभी हमारे जो राजनीतिक, हाँ हाँ नहीं बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि उनकी उम्मीदवारी वहीं तय होगी पूरी तरह से, लेकिन जैन समाज का संबल और उनका समर्थन पूरा आजाद है। श्रीमान प्रकाश जी भटेवरा को ससम्मान करवाया, स्थान ग्रहण करवाएं। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान गजेंद्र जी बच, दिल्ली से पधारे, महासभा के हमारे राष्ट्रीय पदाधिकारी और वहाँ के प्रसिद्ध चार्टर अकाउंटेंट, अनेक संस्थाओं में, अनेक आयोजनों में, हमारे एक युवा सम्मेलन में इन्होंने बहुत जबरदस्त भागीदारी की थी, आदरणीय गजेंद्र जी बज, दिल्ली चार्टर अकाउंटेंट। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान ललित जी बावेल, बेंगलोर से पधारे हैं, उनका स्वागत है। अनुव्रत विश्व भारती सोसाइटी के वे प्रमुख हैं, आदरणीय है ललित जी बावेल। यदि हमारे कुछ अतिथि की सूचना हमारे लोगों तक नहीं पहुंची और वो नहीं, तो वो उन सबको ये आप राजकुमार जी सबका नाम लें और इधर सुभाष काला जी को आप दे देवे। एक मिनट पकड़ोगे आप। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री राजीव जी जैन, हमारे यहाँ के इंदौर के सक्षम पार्षद और जैन समाज के रत्न श्री राजीव जी जैन, कृपया पधारे। BJP की ओर से आप पार्षद हैं और उभरती हुई प्रतिभा है, हम इनको चाहते हैं कि ये विधायक बने, सांसद बने और बहुत आगे तक जाएं। इसी तरह मैं निवेदन कर रहा हूँ श्री नायक साहब को, कृपया श्री नायक साहब पधारे, वे भी राजनीति की बड़ी हस्ती हैं। श्रीमान विजय जी सेठी, पूर्व महापौर खाचरोद, श्रीमान विजय जी सेठी पूर्व महापौर खाचरोद का भी स्वागत है, अभिनंदन है। हम अब सभा का शुभारंभ करते हैं। ये जो हमारे श्री विमल जी अजमेरा, संरक्षक जैन राजनीतिक चेतना मंच, कर मंच पर पधारे। विमल जी आइए आइए, ये पधारिए, आप पधारे।
आप कागज पे लिख लो, एक पेड ले लो वहाँ से। मैं प्रदीप जी, आप एक सहायता प्रदान करो, एक पेड़ ले लो और जो नाम प्राप्त हो उसे लिख के सुभाष जी से होकर करा के मेरे को पहुँचा देना, है ना। जो नाम किसी भी तरह का कोई सूचना हो, एक कागज पे लिखिए, सुभाष जी को दीजिए, कंफर्म करा के मेरे तक पहुँचा दीजिए। सभी का पुनः स्वागत। आज फ्रेंडशिप डे। अरे विमल जी, आज मेरा आइए ना। अरे क्या ऐसा थोड़ी चलता, आइए आइए आइए। ये हसमुख गांधी की सीट पर बैठो, ये मेरी सीट दे दो। हाँ, श्री राहुल जी स्पोर्ट्स, हमारे आज के प्रमुख प्रमुख राहुल जी स्पोर्ट्स, ये भी राजनीति के बड़े सितारे हैं। और भास्कर का आपको बड़ा गौरव अवार्ड मिला हुआ है, बड़े उद्योगपति हैं और राजनीति में भी भारतीय जनता पार्टी में बड़े सक्रिय हैं श्री राहुल जी, और आचार्य श्री के बड़े भक्त हैं कृपा विचार्य। और श्री मनोज जी बाकलीवाल, इंदौर की बड़ी हस्ती, धार्मिक, सामाजिक, औद्योगिक, व्यावसायिक सभी कामों में, और बहुत सरल स्वभावी हैं, सबसे ज़्यादा काम में आगे रहते हैं लेकिन पीछे बैठते हैं। अब हम आज के कार्यक्रम में बात कर रहा था फ्रेंडशिप डे की। सर आज एक दो मिनट आप किसी को दीजिए। अशोक जी आप स्थान ग्रहण करिए, हम अब सभा का प्रारंभ कर रहे हैं। ये इनको दियो, ये सुभाष काला जी और इनको दियो। कमलेश जी, जिन अतिथियों का सुभाष लल्ला जी वगैरह का स्वागत नहीं हुआ तो कृपया जो बाद में आए उनका हारमाला से स्वागत करवा दीजिए, एक मिनट करवा दीजिए। और मैं आपसे पुनः निवेदन कर रहा हूँ, हमारे सारे कार्यकर्ताओं से हाथ जोड़ के मेरे पास कुछ भी बोलने नहीं आवे, मैं किसी भी कीमत पे आपकी बात को स्वीकार नहीं करूँगा, आपको बुरा लग जाएगा। मैं कुछ भी बात प्रदीप जी नहीं सुनूंगा आपकी, आप ये बात सुभाष जी का अलग पास ले जाइए, वो कागज यहाँ आएगा उसके बाद उस पर तय होगा। ऐसा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी मेरे लिए, क्योंकि यहाँ जितने आए हैं वो राष्ट्रीय स्तर के समस्त बड़े पदाधिकारी हैं सर, और सबका पूरा पूरा स्वागत, अभिनंदन करबद्ध, नतमस्तक होकर सबका स्वागत है। लेकिन नाम के लिए हमारे एक कमेटी है, वो कमेटी के थ्रू यदि यहाँ आ जाएगा तो मैं निश्चित रूप से वो सारे नाम को, ये उधर से आ गया होके, नहीं क्या करना है इनको, अच्छा हाँ यस, इसको इस क्रम को रोक देंगे, फिर हम ये पहले कर दें इस काम को उसके बाद। हाँ, मैं निवेदन कर रहा हूँ आनंद जी कासलीवाल, प्रदेश प्रवक्ता, और श्रीमान राजेंद्र जी महावर, हाँ महाजन, अरे सॉरी राजेंद्र जी महाजन साहब हमारे आज के शुभारंभ करता, झंडारोहण करता है, ये लीजिए। टीकमगढ़ से श्री पवन जैन घुवारा, विधायक स्वर्गीय श्री कपूर जैन जी घुवारा के पुत्र, अरे टीकमगढ़ ये तो धरती पुत्र हैं, कृपया आए। श्री राहुल जी जैन, भाजपा व्यापारी प्रकोष्ठ के जिला संयोजक आ चुके हैं। अक्षय जी कासलीवाल, यस आर्थिक प्रकोष्ठ के प्रमुख श्रीमान अक्षय जी कासलीवाल, केवल वो आर्थिक प्रकोष्ठ के प्रमुख नहीं है, सोशल ग्रुप और पता नहीं अयोध्यापुरी और आदि अनेकों संस्थाओं के प्रमुख हैं और बहुत ही डायनेमिक लीडर हैं। मैं ये क्रम, सुभाष जी ये क्रम जारी रखेंगे, इसकी सूची बना लो लंबी, एक एक मत दो नाम, 5-10-15 नाम हो जाए फिर भी एक साथ मैं पुकार लूँगा, तब तक हम दूसरी गतिविधि को प्रारंभ करते हैं, है ना। ठीक है, ये आप सबसे क्षमा मांगते हुए इस काम को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ, है ना। ये क्रम तो जारी रहेगा, करें, मना नहीं है, वो सुभाष जी को और वहाँ प्रमुख पदाधिकारियों तो कागज पहुँच जाए और मेरे पास देने नहीं आवे सर बार बार। एक सूची बना ले लंबी, यहाँ पेट पड़े हुए हैं, उस सूची के अनुसार आप, हम बिल्कुल ससम्मान सबको आमंत्रित करेंगे। मैं बात कर रहा था फ्रेंडशिप डे की, और यार प्रवीण जी बात मेरी आगे चली गई। आज फ्रेंडशिप डे है, मित्रता दिवस, सबको हसमुख रहने का दिन है, ऐसा जरा ऊर्जा आनी चाहिए, तब तो हमारे प्रतिनिधि जीतेंगे, क्यों काका, करेक्ट है ना। हाँ, जोर से वो तो विमल जी सुबह लगाते हैं। तो ये दिन फ्रेंडशिप का है और वो हमें दोस्ती निभाना है, जैन प्रत्याशियों को जिताना है, ऐसी दोस्ती निभाना है। आज की दोस्ती एक करतल धनी हो जाए हमारे। और अब मैं रख दीजिए, आप रख दीजिए यहाँ पर, रख दीजिए, अब सब नाम लिखो, यहाँ 5-25 नाम लिखो ना एक साथ, मत दीजिए सर, मैं नहीं स्वीकार करूँगा। प्रदीप गंगवाल सर एक बार और तय कर लें, प्रदीप गंगवाल के थ्रू एक लिस्ट बनेगी 25 लोगों की, तब मैं नाम पुकारूंगा, बस प्लीज़, मेरा ये निवेदन है, अन्यथा इस काम को रोका जाएगा। प्रदीप गंगवाल जी 25 लोगों की सूची पूरी बन जाए, मेरे को दे दें, ठीक है। चलिए सर, अब हम आगे बढ़ते हैं। जैन राजनीतिक चेतना मंच, राष्ट्रीय स्तर की एक बड़ी संस्था। पवन जी आपको ऊपर बैठना है सर। राष्ट्रीय स्तर का एक ऐसा प्लेटफॉर्म जिसके माध्यम से
जैन प्रत्याशियों को, ऊर्जावान योग्य उम्मीदवारों को प्रोत्साहित करना और उन्हें आगे तक बढ़ा के, यदि उन्हें टिकट तो उनके दम पर ही मिलता है लेकिन फिर उन्हें जिताने की कोशिश भी करना और ऐसी कोशिश भरपूर करना कि वो जीत के आवें और पार्टी को ये लगे कि जैन प्रत्याशी को दिया था हमने टिकट तो वो जीत के आया है। तो ये जैन राधिक चेतना मंच उस तरह का एक प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराता है। आज के समारोह में जो हमारे बहुत वरिष्ठ और अनुभवी अतिथि आए, वो जैन राजनीति क्या होती है, संपूर्ण राजनीति क्या होती है, कैसे टिकट लेना, कैसे जीतना, वो बात भी आपके समक्ष रखेंगे। हम मंगलाचरण के माध्यम से आज की सभा का शुभारंभ कर रहे हूँ। मैं महिला मंडल की प्रमुख श्रीमती वंदना जी बढ़ जाते हैं, हम साथियों को आमंत्रित कर रहा हूँ। श्रीमती स्मिता जी गंगवाल, पूनम जी सोगानी, अनीता जी बढ़ जाते हैं, राहुल जी गंगवाल, राजुल जी गंगवाल, यामिनी जी गंगवाल, अनुपमा जी बिलाला आदि कृपया पधारें और मंगलाचरण थोड़ी शीघ्रता करें, जो उपलब्ध हो वही आ जाए। श्रीमती वंदना जी बढ़ जाते हैं, हम साथी कृपा इधर से आ जाए, आइए आइए, सभी आए और मंगलाचरण कर आज इस सभा का मांगलिक शुभारंभ करें। हेलो, यहाँ पर उपस्थित आप सभी लोगों को हमारा जय जिनेंद्र। श्री हरि हंतो भगवंत इंद्र महिता उपस्थित हमारे जो वरिष्ठ महानुभाव हैं, मंचासीन जितने भी रेस्पेक्टेड जितने भी यहाँ पर महानुभाव बैठे हुए हैं उन लोगों के लिए, और यहाँ इस पूरे सदन में यहाँ जो आए विराजमान लोग हैं, मैं उनके लिए सिर्फ दो पंक्तियाँ गाना चाहूँगी कि खिल उठा है चमन हंस रहा है गगन, खिल उठा है चमन हंस रहा है गगन, आपका आगमन स्वागतम स्वागतम, आपका आगमन स्वागतम स्वागतम, खिल उठा है चमन हंस रहा है गगन, खिल उठा है चमन हंस रहा है गगन, आपका आगमन स्वागतम स्वागतम। और एक बार हम सभी लोग जोर से जयकारा लगाएंगे, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जय जय। चलो चलो
जैनम जयतु शासनम। निश्चित रूप से जैन शासन अनादि निधन है और हम सबको गर्व है कि हम जैन हैं। और जैन होने के नाते जैनों की खूबी है कि वो कहीं भी रहे, किसी भी क्षेत्र में रहे, टॉप पे रहता है। एक और गर्व की बात है, 44 लाख जैन कागजों पे हैं, लेकिन 750 करोड़ विश्व में जो लोग हैं उन पर भी वो शासन करते हैं। कहीं भी चले जाओ आपको दूसरी तरह का भोजन नहीं मिलेगा, जैन भोजन मिलेगा। ये हमारे लिए गौरव की बात है कि हम जैन हैं। ऐसा उन 44 लाख लोगों ने कायम कर दिया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और आज के चित्र अनावरण के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्रीमान प्रकाश जी भटेवरा। श्रीमान प्रकाश जी भटेवरा एवं श्रीमान दीपक जी जैन तीनों उनका परिवार कृपया पधारे। प्रकाश जी भटेवरा जो AIMP जीतो एवं धार्मिक सामाजिक अनेक अनेक संस्थाओं के प्रमुख हैं, और दीपक जी जो हमारे पूर्व पार्षद है BJP के, सामाजिक धार्मिक राजनीतिक औद्योगिक और खेल की गतिविधियों में भी प्रमुखता निभाते हैं। आज के चित्र पधारे और साथ ही आदरणीय घेवरचंद जी साहब, अशोक जी बढ़ जाते हैं, सुभाष जी काला, 4-5 प्रतिनिधि हमारे गजराज जी गंगवाल, प्रमुख मणिंदर जी कृपया पधारें और चित्र अनावरण कर इस सभा का मांगलिक शुभारंभ करें। यार ये तो 8-10 नाम दे दो ना साथ ही, यार दे दो ना साथी। बोले वर्तमान शासन भगवान महावीर स्वामी की। भगवान महावीर स्वामी का यह शासन चल रहा है और महावीर स्वामी का जो अहिंसा का संदेश है वो यदि विश्व में कोई शांति स्थापित कर सकता है तो केवल यह अहिंसा और जी और जीने दो का संदेश ही स्थापित कर सकता है। महाजन साहब, यह अणुबम परमाणु बम कुछ नहीं करेंगे, यह अहिंसा बम सब कुछ करेगा। यदि एक अहिंसा बम छोड़ दिया तो विश्व में शांति हो जाएगी, भाईचारा हो जाएगा और आज का फ्रेंडशिप डे सार्थक हो जाएगा। क्यों सर सलीन जी? ठीक है, तो ये निश्चित रूप से कि महावीर स्वामी का जो संदेश है जियो और जीने दो अहिंसा, यह विश्व का अटूट शस्त्र है। कोई परमाणु बम अणु बम क्या करेगा, वो तो विध्वंस करेंगे। यही एक अस्त्र है, यही एक शस्त्र है जो भाईचारा और विश्व शांति सर, और विश्व शांति स्थापित होगी तभी सब कुछ हो सकेगा, नहीं तो सब विनाश की ओर ही बढ़ रहे हैं। आइए आज के चित्र रावण के पश्चात मैं दीप प्रज्वलन के लिए दो प्रमुख हमारे आमंत्रित कर रहा हूँ। श्रीमान मनोज जी जैन MR, वो भोपाल से चल दिए, शायद पहुँचे नहीं हैं। श्रीमान राहुल जी जैन स्पोर्ट्स, श्रीमान मनोज जी बाकलीवाल, श्रीमान नायक जी, कृपया तीनों पधारे। साथ ही हमारे अरे हुकम काका और सभी तीन जगह हलास जी और कमलेश जी तीनों स्थानों पे बराबर हमारे अतिथियों को करके तीन जगह दीप प्रज्वलन करें। अर्चना जी आप भी बधाई कृपया। हेमचंद जी अग्रपंक्ति में, सभी महाजन साहब अग्रपंक्ति में आ जाएं, सभी आ जाएं अग्रपंक्ति। हाँ श्री राजीव जी पार्षद, अरे सर आप तो अतिथि हो हमारे पूर्ण रूप से। हाँ श्री हलास जी सोनी और श्री कमलेश जी कास्तीवाल दीप प्रज्वलन कर आज की इस मांगलिक क्रिया का शुभारंभ करवाएंगे। जो हमारे अतिथि हैं उन्हें थोड़ी सी प्राथमिकता प्रदान करें, ऐसा मेरा निवेदन है। गजराज जी साहब आप बीच में पधारें, गजराज जी गंगवाल और प्रकाश जी बढ़ जाते कृपया बीच में पधारें आप। गोदा जी चोपड़ा जी आइए ना आगे प्लीज। एक मिनट उसको प्रदीप गंगवाल प्लीज यार। हाँ तू कहाँ है? तो वो उसको दे, आप उसको दे, उसको मेरा मत दो यार। अपने प्रदीप, अरे प्लीज यार एक मिनट प्रदीप को दे दो, मैं बोल दूंगा। यदि मैं नहीं रहा तो कैसे ये फोटो हो रहा है? यार एक साथ लिख दो ना यार, क्यों नहीं लिख रहे एक साथ? तो अब जगह भी देख लो पहले यार। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है। हाँ तो आप बोलो उसको लिखवा दो। जो यह दीप है, छोटा सा दीप,
एक बड़े तिमिर का नाश कर देता है, कितना भी बड़ा अंधकार हो। हसमुख जी रह गए थे दीप प्रज्वलित के लिए। कमलेश जी और थोड़ा सा दीप को भगवान के समक्ष स्थापित कर दें, तीनों दीप मालिकाओं को भगवान के समक्ष स्थापित कर दें, उसे रहने दीजिए और तीनों ये दीप मालिकाओं को वहाँ स्थापित कर दें। और अब हम थोड़ी सी देरी जरूर हुई है, लेकिन इस बड़े महाअभियान में जब हम आगे चलते हैं तो कई तरह की कठिनाइयाँ आती है, समय भी लगता है, और उस समय को और सबको पार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं कुमारी काव्या जैन को। एक छोटा सा 2 मिनट का हमारा इनका नृत्य है। ये इंदौर की छोटी महापौर है और ये उभरती हुई कथक नृत्यांगना के साथ अनेक वर्ल्ड रिकॉर्ड को धारण किए हुए है। कुमारी काव्या जैन हमारे प्रवीण जी जैन की सुपुत्री है। वे एक शानदार स्वागत नृत्य के साथ इस आयोजन का शुभारम्भ कर रही हैं। देव पधारे अतिथि रूप में महत्व
स्वागत हम करते हैं, स्वागत करते हम, स्वागत करते हम, दिल से सबका स्वागत हम करते हैं, स्वागत स्वागत। शानदार काव्या बेटी, और शाब्दिक स्वागत नृत्य के द्वारा स्वागत और शाब्दिक स्वागत के लिए अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ भोपाल के सुप्रसिद्ध वकील दिगंबर जैन, क्षमा चाहता हूँ, जैन राजनीतिक चेतना मंच के प्रादेशिक अध्यक्ष और डायनेमिक पर्सनालिटी। उन्होंने क्या सपना समझाया था बहुत, वो कहते हैं छोटी सी एक मीटिंग करना है हसमुख जी, इंदौर में प्रदीप गंगवाल को शायद बात की होगी, एक हाथ छोटी मीटिंग कर लेंगे। वो मीटिंग छोटी करते करते रविन्द्रनाथ टैगोर के जैसे विशाल हॉल में राष्ट्रीय अधिवेशन में परिवर्तित होगी, ये उनके लिए बधाई है। दो लाइन के साथ आपको आमंत्रित करता हूँ सुभाष जी, और आज एक निर्णय लिया है कि हम सभी जितने भी हमारे माननीय अतिथि हैं उन सबसे करबद्ध निवेदन, उन सब ने भी हमसे कहा कल एक रात को हमारी एक ऐसी बैठक हुई थी कि हम सब लोग तीन मिनट में अपनी वास्तविक बात कहना चाहते हैं वो सब कहेंगे, यदि उतने समय में करेंगे तो हमने अभी एक घंटा लेट कर दिया है तो कहीं ना कहीं हम उसको समायोजित कर लेंगे। एक छोटा कार्य करता हूं लेकिन कान पकड़ के इस तरह की बात करके मैं बुला रहा हूं सुभाष जी काला को। छू न सके आसमान ना सही, छू न सके आसमान ना सही, छू न सकूं चांद सितारे ना सही, दिलों को छू जाऊं, अरे दिलों को छू जाऊं और चुनाव जीत जाऊं, बस इतनी सी तमन्ना है, चुनाव जीत जाऊं इतनी सी तमन्ना है श्री सुभाष जी काला। मैं 30 सेकंड लूँगा। अभी अभी हमारे यहाँ पधारे जयपुर नगर निगम के चेयरमैन और जैन राजनीतिक चेतना मंच के प्रदेश महामंत्री राजस्थान श्री पारस जैन, कृपया आइए स्टेज पर। हमारे बीच राजनीतिक मंच की प्रदेश मंत्री और बीजेपी की भिंड जिले की उपाध्यक्ष श्रीमती राजकुमारी जैन उपस्थित हैं, कृपया वो भी आए। एक जैन वास्तु में डबल PhD जबलपुर से पधारी हैं डॉक्टर निधि जैन, पधारी आप भी। इसके पूर्व कि मैं पधारे हुए वरिष्ठ और माननीय अतिथियों के बारे में स्वागत अभिनंदन बोलूं, मैं शॉर्ट में बिल्कुल जैन राजनीतिक चेतना मंच जो संस्था बनाई गई ये 2007 में पूरे देश से दिल्ली में लगभग 150-200 प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया था। मेरा सौभाग्य कि मध्य प्रदेश से मैं और श्री विनोद जैन दोनों वहाँ उपस्थित थे। आदरणीय स्वर्गीय श्री निर्मल जी सेठी का एक बहुत बड़ा सपना था कि एक जैन संस्था राजनीति के लिए बनाई जाए, उन्होंने ही इसके लिए मोटिवेट किया था और वही आज से 2 साल पहले तक इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे, और उनका सपना था जो लगभग पूरा होने जा रहा है। हमने आज यहाँ राजनीतिक चेतना मंच का जो अधिवेशन आयोजित किया है, राजनीतिक मंच का उद्देश्य ये है कि इसमें कोई जातिगत कोई उपजातिगत भेदभाव नहीं है, समस्त जैन इसके सदस्य हो सकते हैं, इसमें शामिल हो सकते हैं, इसीलिए इसके नाम से ही ये सिद्ध होता है इसका नाम है जैन राजनीतिक चेतना मंच। इसमें
कुछ भी कोई और संस्था किसी और उपजाति का नाम नहीं है। इसलिए आप सभी लोग जहाँ से भी आए हैं, जिस भी उपजाति उपजाति के हैं, सबका स्वागत है, अभिनंदन है। दूसरा उद्देश्य इसका यह था कि हम प्रयास करें कि चूँकि बहुत पुरानी बात हो गई, पिछली विधानसभा में क्या था, लोकसभा में क्या था, बहुत सारे मेंबर, बहुत सारे जैन सदस्य विधानसभा और लोकसभा में समाज का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, लेकिन पिछले 2-3 विधानसभा और लोकसभा से ये महसूस किया जा रहा है, बल्कि देखा जा रहा है कि लोकसभा और विधानसभा में जैन समाज का प्रतिनिधित्व लगभग नगण्य हो गया है। हम ये चाहते हैं, मंच ये चाहता है कि जैन समाज का प्रतिनिधित्व न केवल विधानसभा और लोकसभा में हो, बल्कि इन राष्ट्रीय पार्टियों के संगठन में भी हो, आयोग में भी हो, और नीचे नगर पालिका पंचायत से लेकर के तो हमारा प्रतिनिधित्व लोकसभा तक हो, ऐसा जैन राजनीतिक मंच का प्रयास है। अभी जैन राजनीतिक चेतना मंच का एकमात्र उद्देश्य तो ये है ही, लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद हमारे ऑब्जेक्ट में ये भी शामिल है कि जो मुनियों की हत्या हो रही है, जो आहार विहार में प्रॉब्लम हो रही है, और जो हमारे तीर्थों पर मंदिरों पर कब्जा हो रहा है, उसके विरोध स्वरूप भी ये मंच कार्य करेगा और जैन समाज की पूरी अन्य संस्थाओं के साथ मिलकर के सहयोग भी देगा और काम भी करेगा। अगला हमारा उद्देश्य ये है कि हमारे व्यक्ति को हम प्रयास करें कि जो जो भी कैंडिडेट्स हैं मध्य प्रदेश से और राजस्थान से, उनको टिकट दिलाने का प्रयास करें। आज ये स्थिति हमारी नहीं है, ना इतना स्ट्रांग है ये मंच कि हम उनको टिकट दिलाने की गारंटी कर सकें, लेकिन जब भी टिकट मिलेगा, जो भी मिलेगा, जिस पार्टी से भी मिलेगा, जिस क्षेत्र से भी मिलेगा, उस क्षेत्र में हम अपने जैन कैंडिडेट का प्रचार प्रसार तन मन धन से करेंगे। लेकिन उसमें एक बात है कि मान लीजिए पवन गुहार जी को कांग्रेस से टिकट मिलता है तो हम टीकमगढ़ में कांग्रेस का प्रचार करेंगे, पवन गुहारा का प्रचार नहीं करेंगे। जातिवाद हम बिल्कुल नहीं फैलाएंगे। हमारे व्यक्तियों को जिस जगह से, जिस क्षेत्र से, जिस पार्टी से भी टिकट मिलेगा, उन वहाँ हम उस पार्टी का सपोर्ट करेंगे। इस समय हमारे साथ देश की सभी संस्थाओं के लोग जुड़े हुए हैं और एक ही उद्देश्य हर संस्था का है जैन समाज की, कि हमारे लोगों को राजनीति में प्रवेश दिलाया जाए। और यदि हम इसमें सफल नहीं हो पाते हैं, बाय द वे, तो यही होगा जो हो रहा है, तीर्थों पे कब्जा, मुनियों की हत्या, तो हमारी आवाज़ उठाने वाले लोग हाउस में होना चाहिए। एक और बात है कि व्यक्ति वोट से जीतता है, वो अपने नाम से या समझ से नहीं जीतता, तो ये देखना पड़ेगा कि जो व्यक्ति इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार है या लड़ रहा है, उसकी पॉलिटिकल बैकग्राउंड क्या है, उसकी पृष्ठभूमि क्या है, उसने जैनियों के अलावा भी संस्था के लिए या अपने मोहल्ले के लिए, एग्जांपल है मेरे साथ यहाँ 2 बार के पार्षद इंदौर के होलास जी सोनी बैठे हुए हैं और उनकी पत्नी भी 2 बार जीती। मैंने इनको देखा कि पूरे मोहल्ले में, पूरे अपने क्षेत्र में रात को 2 बजे तक जब नालियाँ पूर आ गई थी, कीचड़ मच गया था, तो वहाँ के लोगों के साथ लेकर के और सोनी परिवार ने पूरे के पूरा अन्य जातियों के लिए भी काम किया। इसीलिए जैन वहाँ कम होने के बावजूद 4 बार के ये पार्षद हैं और हमारी शुभकामना है कि ये वार्ड नंबर 5 विधानसभा 5 से विधानसभा के कैंडिडेट हैं बीजेपी से। हमारी शुभकामना इनको है कि ये इनको टिकट मिले और हम इनको जिता के लाए। बहुत हो गया। आज हमारे बीच पूरे देश की डिग्निटीज, पूरे देश के पॉलिटिशियन, उद्योगपति, बिजनेसमैन और अन्य संस्थाओं के राष्ट्रीय पदाधिकारी उपस्थित हैं। जैसे आज के विशिष्ट अतिथि हैं श्री बोहरा जी, आज के मुख्य अतिथि हैं घेवर चंजी जैन बोहरा। मैं इस मंच से आपका स्वागत अभिनंदन करता हूं
और ये मंच आपका बहुत आभारी है कि आपने हमारे एक टेलीफोन पर इस मंच पर मुख्य अतिथि बनने के लिए स्वीकृति दी। दूसरे, जैन राजनीतिक चेतना मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष और 18-20 बड़ी कंपनियों के मैनेजिंग डायरेक्टर, यदि आप बड़ा गांव गए हो तो आपने देखा होगा कि बड़े गांव का मंदिर जो है, वैसे तो वो अकेला इकलौता ऐसा मंदिर है जिसके कोई मुकाबला नहीं है, उसके निर्माता, निर्देशक, डायरेक्टर और जैन राजनीतिक चेतना मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री गजराज जी गंगवाल। ये स्टेट बॉडी का अधिवेशन होने के बावजूद भी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ आए हैं, हमारे नियोजन पर आए, हम उनका भी आभार, स्वागत, अभिनंदन करते हैं। इसी प्रकार आ नहीं पाए पूर्व मंत्री प्रदीप जैन आदित्य, किसी कारण से नहीं आ पाए, श्री प्रकाश चंद जी जैन बड़जात्या, ये महासभा के राष्ट्रीय महामंत्री, जैन राजनीतिक चेतना मंच के राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष, श्री दिगंबर जैन खंडेलवाल महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के साथ साथ चेन्नई में आपका ट्रांसपोर्ट का शहर देश में शायद पहला या दूसरा कारोबार है जिसके आप MD हैं और वहां से चला रहे हैं, आपका पूरा सहयोग समाज की हर संस्था को प्राप्त होता है, आप भी हमारे बीच हैं, आपका स्वागत, अभिनंदन है। हमारे बीच राजनीति के चाणक्य श्री चंद्र राज्य सिंह भी, वैसे तो आपके बारे में पूरा देश जानता है और राजस्थान में ये कहावत है, बल्कि ये फैक्ट है कि जिसको चाहे जितवाते हैं और जिसको चाहे उसको हरा देते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जो एट प्रेजेंट शिवसेना के भी राजस्थान के प्रभारी हैं और इनको सुनने के लिए, सिर्फ इनको सुनने के लिए लोग लालायित रहते हैं और आते हैं, मैं भी उसमें से एक हूँ। चांदखेड़ी के दर्शन आप सबने किए होंगे, चांदखेड़ी की प्रोग्रेस और पूरे देश में उसको नंबर 1 तीर्थ बनाने में कोटा के श्री हुकम जैन काका, जो राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष भी हैं मंच के, वो हमारे बीच हैं और कभी आप चांदखेड़ी जाएंगे तो आपकी आत्मा प्रसन्न हो जाएगी। और जो बड़े बाबा हैं, वो चमत्कारिक मूर्ति आपने वहाँ स्थापित की है, ये हुकम जैन काका हमारे बीच उपस्थित हैं, आए हैं, इनका भी स्वागत, अभिनंदन है। फ्रॉम वेरी बिगिनिंग, शुरू से इस राजनीतिक चेतना मंच के राष्ट्रीय महामंत्री श्री ललित जी जैन झांसी, वो भी रात दिन सहयोग कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं इस मंच को उठाने के लिए, वो भी हमारे बीच है, उनका भी हम अभिनंदन स्वागत करते हैं। बॉम्बे से पधारे ग्लोबल डायरेक्टर जनरल सेक्रेटरी जैन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के और देश के माने हुए कंट्रैक्टर बिल्डर श्री प्रकाश जैन चोपड़ा, आप भी हमारे बीच उपस्थित हैं, हम इनका भी स्वागत, अभिनंदन करते हैं। श्री मनिंद्र जैन, जो दो राष्ट्रीय महासमितियों में से एक के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ग्लोबल डायरेक्टर हैं जैन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के, ग्लोबल डायरेक्टर हैं, और इनका एक परिचय और दूं, आपने श्री रविंद्र जैन जो गायक म्यूजिशियन थे देश के माने हुए, ये उनके सगे भाई हैं, हम इनका भी स्वागत, अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच इंदौर से इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ जैन फोरम के अध्यक्ष श्री अशोक जी मेहता, जो बहुत बढ़िया साहित्यकार हैं और इनका साहित्य सभी लोगों ने पढ़ा है और ये सबको पढ़वाते हैं, आप यदि इनकी किताब एक बार खोलेंगे तो 200 पेज पढ़ने के बाद ही आप बंद कर पाएंगे, ऐसे अशोक जी मेहता का स्वागत, अभिनंदन है हमारी ओर से। बेलगाम के पूर्व विधायक श्री संजय जैन पाटिल, जो
राजनीति में दखल रखते हैं, दो बार के वहाँ के विधायक हैं और हम भी चाह रहे हैं और ये भी चाह रहे हैं कि बेलगाम से इनको लोकसभा की टिकट मिले से, और यदि टाइम हुआ और इनको आप सुनेंगे तो आपको इनके स्पीच भी सुनने में बहुत मज़ा आएगा। श्री सुकीर्ति जैन जो कटनी के पूर्व विधायक हैं और राष्ट्रीय संगठन मंत्री हैं जन राजनीतिक चेतना मंच के, कुछ कहा आपने, उनका भी मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। खरगोन के बड़े उद्योगपति राजनीतिक चेतना मंच के एक और श्री विनोद जैन साहब, वो भी यहाँ उपस्थित हैं खरगोन से, कांग्रेस के बड़े नेता है। इसके अलावा टाइम हो रहा है, पूरे मंचासीन सभी अतिथियों का मैं माफ़ी चाहता हूँ, किसी के नाम नहीं ले पाया हो और सबका नहीं ले पाया, इसके बावजूद मध्य प्रदेश राजनीतिक चेतना मंच के अध्यक्ष होने के नाते मैं उनका अभिनंदन स्वागत करता हूँ। और ये जो आप हाल देख रहे हैं और जो व्यवस्था है पूरी इंदौर में की गई, और 20 दिन में जिनने 1500 मेंबर राजनीतिक मंच के बनाए, श्री प्रदीप जैन गंगवाल मेरे छोटे भाई भी हैं, साथी भी है, ये पूरी व्यवस्था इन्हीं की है। एक बार करतल धुनी से इनका स्वागत अभिनंदन किया जाए। हमारे एक मिनट जो नेतृत्व प्रदान हमको कर रहे हैं मध्य प्रदेश में जैन राजनीतिक चेतना मंच को, जो मैं तो कहूं कि ये बहुत सारी संस्थाओं के गॉडफादर हैं, फादर हैं, बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और जैन राजनीतिक चेतना मंच के राष्ट्रीय संरक्षक और मध्य प्रदेश के परम संरक्षक हैं भाई साहब आदरणीय अशोक जी बड़ियाथिया। हम इनका भी स्वागत अभिनंदन करते हैं। और पिछले एक महीने से जो इस मंच का, इस अधिवेशन का प्रचार प्रसार हो रहे हैं अखबारों के माध्यम से, हमारी एक मीडिया टीम है श्री होलास जी सोनी, राजेश जैन दद्दू और जर्नलिस्ट मेरा छोटा ब्रदर भी है राजकुमार काला, हम इन लोगों का भी स्वागत अभिनंदन करते हैं, आभार प्रकट करते हैं। हमारे बीच विश्व हिंदू परिषद से श्री प्रिंसिपल टोंगिया जी उपस्थित हैं, कृपया आइए, आपका स्वागत है, अभिनंदन मंच से। बस श्री पवन जी गोधा आदिनाथ चैनल जो लाइव टेलीकास्ट कर रहे हैं उसके कर्ता धर्ता डायरेक्टर और दिगंबर जैन महासभा के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष, वो हमारे बीच उपस्थित हैं, हम उनका भी स्वागत अभिनंदन करते हैं। दिल्ली के माने हुए चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री गजेंद्र बच सीए, वो भी हमारे बीच उपस्थित हैं। राजस्थान जैन राजनीतिक चेतना मंच के अध्यक्ष श्री मुकेश जी चेलावत, जो अगले महीने एक महीने में राजस्थान में इस प्रकार का और इससे बहुत बड़ा जैन राजनीतिक चेतना मंच का अधिवेशन कर रहे हैं, हम उनका भी स्वागत अभिनंदन करते हैं। कौन है? और एक बहुत महान शख्सियत, बहुत ही प्रसिद्ध, जिन पे पूरे देश के जैन समाज को गर्व है, श्रीमती अर्चना जैन जो नीति आयोग के दो सदस्यों में से एक है, आप भी हमारे बीच उपस्थित हैं। और इस नीति आयोग के जो मुख्य हैं वो प्रधानमंत्री जी हैं नरेंद्र मोदी जी, उनके साथ हैं और आपका अपॉइंटमेंट सुरेश जी हैं, खुरई के हैं, तो ये हमारे बीच हैं। और आपको कभी कोई नीति संबंधी निर्णय लेना हो, कोई नीतियाँ बनानी हो, तो आप बिल्कुल सहर्ष हाजिर हैं आपके लिए, ऐसा इनका कहना है। जैन दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन के हमारे बीच पूर्व अध्यक्ष श्री हेमचंद जी झांझरी, श्री निर्मल जी सेठी और कौन है, श्री कीर्ति जी पंड्या, ये राष्ट्रीय महामंत्री रहे हैं,
आप उपस्थित हैं और सीनियर मोस्ट राष्ट्रीय अध्यक्ष सोलापुर फेडरेशन के जो मेरे बड़े भाई भी हैं, वो मेरे को आशीर्वाद नहीं दिए उनकी इच्छा पर, वो मानते तो मैं तो मानता हूँ, श्री विमल जी अजमेरा वो उपस्थित हैं और हेमचंद जी हो गया, बोल रहे हेमचंद जी के नाम फिर से बोलो इनके पर्सनैलिटी के हिसाब से। अब इस आयोजन में पूर्व अध्यक्ष होते हुए भी जिनके साथ मैं उस संस्था में कार्याध्यक्ष रहा, हेमचंद जी के साथ भी, निर्मल जी के साथ भी, एक और शख्सियत जो पिछले एक महीने से हमारे साथ जुड़ी हुई है वह है कमलेश जी काछलीवाल, हम उनका भी अभिनंदन करते हैं। और इस मंच के प्रदेश राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष जो इस मीटिंग को कंडक्ट कर रहे हैं और जिन्होंने कल भी मीटिंग को धुआंधार कंडक्ट की और इनकी वाणी ये हंसमुक्त हैं, सबको हंसाते रहते हैं, तो इनकी जो वाणी है उसके सब कायल हैं। और अभी पिछले दो साल में जितने पंचकल्याण मध्य प्रदेश में हुए हर पंचकल्याण के ये अध्यक्ष रहे हैं, कोल्ड स्टोरेज एक एसोसिएशन है पूरे इंडिया की उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं और अन्य अनेक संस्थाओं के ये अध्यक्ष हैं। और अभी राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के सलाहकार मंडल में श्री हंसमुख जी गांधी को मध्य प्रदेश से उसमें शामिल किया गया है। तो आप सब और जिन लोग फेडरेशन के कोषाध्यक्ष हैं, देवेंद्र छाबड़ा जी वो पधारे मंच पर, राजेंद्र सोवानी हैं और इनकी पूरी टीम ने, आइए इनकी पूरी टीम ने जो काम किया है इस अधिवेशन के लिए, मैं तो इंदौर के लिए नया हूँ लेकिन गंगवाल जी और उनकी टीम ने मुझसे कहा कि आप अधिवेशन करो, हमारा पूरा सहयोग आपको मिलेगा। और मैं और आप सब देख रहे हैं कि पूरा सहयोग हमको गंगवाल जी की टीम से मिला हुआ है, बीजेपी के नेता अनिल भोजे और भाभी जी पद्मा भोजे भी हमारे बीच उपस्थित है, हम उनका भी इस यहाँ पधारे मंच पे उनका भी हम इस मंच से स्वागत अभिनंदन कर, एक से एक शख्सियत यहाँ है, बहुत सारे लोगों में जानता नहीं हूँ लेकिन नाम से सभी को जानता हूँ, नेमिनाथ ग्रुप के श्री प्रवीण पाटनी, नेमी नगर के प्रवीण पाटनी जो सभी संस्थाओं से जुड़े हैं और एक वृहद परिचय सम्मेलन हर साल इंदौर में आयोजित करते हैं उनको बता रहा हूँ। एक और शख्सियत है आपके हाई कोर्ट के माने हुए एडवोकेट, नहीं एक आए एक ही सेठी साहब को आमंत्रित क्यों वो नहीं आए, हाँ लेकिन बढ़िया था जी, रमेश बढ़िया था जी वो भी उपस्थित हैं जो पिछली बार राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष रहे हैं सोशल ग्रुप फेडरेशन के और बैंक के चीफ मैनेजर से रिटायर होके अभी हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं सिविल ट्रिब्यूनल की, और मेरा सौभाग्य है कि वो मेरे क्लासमेट रहे हैं, उनको मैं आमंत्रित कर रहा हूँ, कृपया आइए। प्रवीण पाटनी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री अशोक जी खासगी वाला, वो भी बहुत ही प्रसिद्ध इंदौर के चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कृपया आइए पधारिए। अब मैं इस मंच से सभी मंचासीन अतिथियों का दिल से, मंच की ओर से, बल्कि समझ जैन समाज की ओर से हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। पुष्पेन जैन जो पूर्व पार्षद हैं भोपाल के, जो विधानसभा आज से किसी से इलेक्शन लड़ना चाहते हैं, इनको भी हमारी शुभकामनाएं बधाई है। और जितने भी सदस्य आगंतुक महानुभाव महिलाएं, मेरे दोस्त सभी जो यहाँ आए हैं हमारे छोटे से नियोजन पर, मैं मंच की ओर से उनका सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूँ। प्रेस मीडिया इलेक्ट्रिक मीडिया के भी सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है, आप लोगों ने मुझको सुना, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, जय जिनेंद्र। आइए सुभाष काला जी की ओर से मैं पुनः आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता हूं और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं प्रगति प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए मंच का राष्ट्रीय महामंत्री श्रीमान ललित जी जैन झांसी।
सभी को जय जिनेन्द्र। मेरा बहुत सा काम सुभाष जी ने हल्का कर दिया, मंच के उद्देश्यों को उन्होंने आप तक पहुंचा दिया। सम्मानित मंच और उपस्थित देश भर से आए हुए जैन समाज की राजनीतिक पीड़ा को समझने वाले जैन समाज के समस्त उपस्थित लोगों को मैं साधारण नमन करता हूं। इंदौर की इस भूमि में एक नई ऊर्जा आने वाली है। पिछले 20 दिन के अंदर इंदौर में 1500 नए सदस्य बने। पिछले 20 दिन के अंदर हिंदुस्तान में 5000 जैन राजनीतिक चेतना मंच के सदस्य बने। आज 7 जून 2007 को जो राजनीतिक चेतना मंच इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में बना था, वो आज 15 राज्यों में कार्य कर रहा है। 13 राज्यों में हम प्रादेशिक अधिवेशन कर चुके हैं। इस वर्ष बहुत महत्वपूर्ण वर्ष है। इस वर्ष जैन समाज की जहां सबसे ज़्यादा प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है, ऐसे प्रदेश मध्य प्रदेश जहां 5 मुख्यमंत्री हुए, राजस्थान जहां अभी सबसे अधिक 14 विधायक हैं, छत्तीसगढ़ जहां पिछली बार 6 विधायक थे और 2 मंत्री थे, ऐसे राज्यों के चुनाव होने वाले हैं और 2024 में दिल्ली में लोकसभा का चुनाव होने वाला है। हम 42 सांसदों से शून्य पर पहुंच गए। हारने की कोई संभावना नहीं है, अब तो जीतने का रास्ता बुलंद होगा। तालियां बजाइए, स्वागत कीजिए 2023 और 24 का। इस 2023 और 24 में नए कीर्तिमान स्थापित करें। हम जैन समाज की राजनीतिक पताकों को, पूर्व प्रतिष्ठा को पुनः स्थापित करें, इसके लिए हम आज यहाँ संकल्प लेकर उठेंगे और इस संकल्प के लिए ही हम यहाँ एकत्रित हुए हैं। मित्रों, मैं जैन समाज की राजनीतिक यात्रा की मंच की बात करूं तो दिल्ली से शुरू होकर कर्नाटक, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, बिहार, झारखंड, नॉर्थ ईस्ट, मणिपुर, कौन सा प्रदेश बचा है जहां हम अब हमारी इकाइयां नहीं हैं। हमारी इकाइयां हैं, कार्य कर रही हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि उन राज्यों में जब तक चुनाव आएंगे दोबारा, तब तक हम बहुत सशक्त हो जाएंगे। आज बड़े गौरव का दिन है कि आज जैन राजनीतिक चेतना के मंच के इस मंच पर सभी पंथ, संत, ग्रंथ और जैन समाज की जितनी भी संस्थाएं हैं, सबके प्रमुख इस मंच पर विराजमान हैं। इन सबके लिए करतल ध्वनि। अब हमें कोई बांट नहीं सकता, अब हमें कोई छाट नहीं सकता। अब हमने बीड़ा उठा लिया है कि हमें नया इतिहास बनाना है। राजनीतिक चेतना मंच को उसके वास्तविक ऊंचाइयों तक ले जाना है। हमारा लक्ष्य है 15 अक्टूबर को आगरा में होने वाले राष्ट्रीय अधिवेशन में 25,000 जैन समाज के लोगों को वहाँ एकत्रित करने का लक्ष्य हमने रखा है। पूज्य मुनि सदा सागर जी महाराज, पूज्य आचार्य विश्व सागर जी महाराज, ज्ञानमती माता जी, पूज्य मुनि नयन सागर महाराज, सभी का आशीर्वाद हमको मिल गया है और सभी संत हम लोगों को आशीर्वाद दे रहे हैं कि आप बिना राजनीति में आगे बढ़े जैन समाज अपना धन, अपनी संपदा, अपना पुरातत्व, अपने तीर्थ, अपना उद्योग, अपना व्यापार और अपने नियम इनका पालन नहीं कर सकता, अपने गुरुओं की, अपने मंदिरों की रक्षा नहीं कर सकता, इसलिए राजनीति में आगे आना ही होगा। मैं आप सबसे इतना कहना चाहता हूं कि अब हम बढ़ रहे हैं, अब हमारे कदम आगे बढ़ते जा रहे हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है, मेरे पास बहुत थोड़ा समय दिया गया था, कि ये राजनीतिक चेतना मंच अब अपने वास्तविक स्वरूप को ले चुका है और अपनी यात्रा को पूरा कर इस 2024 के लोकसभा में हम प्रतिष्ठित रूप से लोकसभा में सांसद पहुंचाएंगे। आप सब लोग इससे जुड़ें, इसे आगे बढ़ाएं, इसी कामना के साथ मैं आपको नमन करता हूं। हमारे डायनेमिक महामंत्री श्रीमान ललित जी का बहुत बहुत धन्यवाद और सुभाष जी काला थोड़ा सा समय। मेरा स्वागत अधूरा होगा यदि मैं 2-3 शख्सियत जो है बैठी उनका नाम ना लूं। एक तो उज्जैन से पधारी स्नेहलता सोगानी जो हमारी मंच की प्रदेश उपाध्यक्ष भी है
और दिगंबर जैन सोशल ग्रुप की फाइनेंसर को वापस नहीं लेती वो देने के बाद, तो वो और मेरी चचेरी बहन भी है, मैं उनको स्टेज पर आमंत्रित करता हूँ। मेरे को जो इसमें अप्रतिमिक सहयोग मिला वो एक शख्सियत है इंदौर की, जानी मानी शख्सियत गौतम जी जैन, आपका जरूर मैं नाम लेना था, और मेरे साथी, मेरे छोटे भाई, मेरे दोस्त श्री राजीव जैन गेजरवाल जो भोपाल से हैं, इस एक महीने से पूरा हिसाब किताब, पूरी गाइडलाइन, ये सब का सहयोग मुझको प्राप्त हो रहा है राजीव जैन गेजरवाल से, जो दिगंबर जैन सोशल ग्रुप फेडरेशन के कई पौधों पर रहे और सफलतापूर्वक सब काम किया, और ये अधूरा होगा यदि मध्य प्रदेश के कोषाध्यक्ष का मैं नाम न लूँ, श्री अमिताभ जी मनिया जो इस प्रदेश की जानी मानी शेयर ब्रोकिंग कंपनी, कौन सा नाम, कल्प तरु इन्वेस्टमेंट, जिसके करीब करीब 25-30 ब्रांचेस हैं भोपाल में, वो हमारे प्रदेश कोषाध्यक्ष हैं। अब इसके अलावा तो मेरे को समय देंगे ही नहीं है मेरे को आदेश एक चार छः हैं और नहीं नहीं हमारे प्रदेश के परम संरक्षक अशोक जी भरजात्या की पत्नी और मेरी आदरणीय भाभी आशा जी यहाँ उपस्थित है, हम उनका भी अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं जी। ओपी जैन सिंगई जिनने जैन कॉलोनी में बहुत काम किया, हम उनका भी स्वागत अभिनंदन करते हैं, जय जिने। ये संचालन करने का जो काम है ना वो एक कमेटी तय करती है और उस कमेटी के प्रमुख उसके अध्यक्ष होते हैं और वो सब मिलके निर्णय कर लेते हैं कि ऐसा ऐसा आप करना, और एक कागज़ बना लेते हैं, वो कागज़ पे लिख देते हैं और वो कागज़ मेरे को दे देते हैं कि भाई इस काम को आप संचालित करना, बस उतना ही मेरा काम है, लेकिन उसके ऊपर तो सब बहुत ही हैं। लेकिन सभी इस सभा को बहुत शानदार और समय पर पूरी होवे और जो राजनीतिक उद्देश्य है उसको हम प्राप्त करें, इसी भावना के साथ हम होंगे कामयाब, सब कामयाब हो गए और बहुत अच्छी तरह से, चाहे उद्योग में कामयाब हैं, राजनीति में भी कामयाब होंगे, हम प्रशासनिक सेवाओं में भी कामयाब हैं तो राजनीति में जरूर कामयाब होंगे। तो मैं अब आमंत्रित करता हूं, हम होंगे कामयाब के साथ, हमारे संरक्षक श्रीमान अशोक जी बड़जात्या जो मालवा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के भी अध्यक्ष हैं, उद्योगपति हैं, फास्ट एकेडमी के प्रमुख हैं, अच्छे चिंतक हैं, विचारक हैं, वे आए और अपने प्रेजेंटेशन के माध्यम से राजनीतिक चेतना मंच की क्या सोच है उम्मीदवारों के प्रति वो प्रकट करें। श्री अशोक जी बढ़ जाते हैं। आप सबको सादर जय जिनेंद्र। एक छोटा सा 5-7 मिनट का प्रेजेंटेशन है, मैं मंच से भी आग्रह करूंगा कि जितना पीछे देख सकें, अगर कुछ कुर्सी का अपना मुंह मोड़ सकें तो अच्छा होगा। थोड़ा सा LED नीचे लग गया है, ध्यान नहीं रहा, आपको आखिरी लाइन नहीं दिखे तो मैं पढ़ के बताऊँगा। जैन राजनीतिक चेतना मंच, इसके बारे में आप सब जानते ही हैं, एक टूल किट अर्थात कैसे हम कोई काम करने वाले हैं ताकि हमारे और जो करने वाले हैं उनके बीच में एक सामंजस्य रहे, उनको समझ रहे कि हम क्या सोच रहे हैं। एक टूल किट का निर्माण किया है कि कैसे हम अपने वांछित लक्ष्यों को प्राप्त कर सकेंगे और क्या उसके अवरोध हैं, क्या तकलीफें हमको आने वाली है। नीचे आया है प्रधानम सर्वधर्माणाम जैनम जयतु शासनम। शासन और प्रशासन दो चीज़ से हम प्रमुखता चाहते हैं, प्रशासन से जियो जीतो, और एक फास्ट एकेडमी जो मैं चलाता हूँ उसमें हम कोशिश कर रहे हैं कि जो प्रशासनिक पद हैं, उच्च पद हैं, वहाँ पर हमारे जैन समाज के बच्चे स्थापित हों, और शासन के लिए आज हम यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं राजनीतिक चेतना मंच के माध्यम से। विजन स्टेटमेंट, कोई भी कार्य करने के पहले हमारा विजन क्या है, हमारी दूरदृष्टि क्या है, उसको परिभाषित कर लेना चाहिए, और वो परिभाषा मैंने जो बनाई है, जैन समाज को अपनी योग्यता एवं योगदान के अनुरूप राजनीतिक अहमियत प्रदान करना, ये हमारा विजन है, ये हमारी दूरदृष्टि है। मिशन, अब ये तो हमारी दूरदृष्टि है, अब मिशन क्या है, कैसे हम इस विजन को, इस दृष्टि को प्राप्त कर सकेंगे। पहला,
वर्ष 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में जैन प्रतिनिधियों को अधिक से अधिक टिकट प्राप्त करवाना। दूसरा मिशन स्टेटमेंट है, वर्ष इसके पश्चात वर्ष 2024 में होने वाले संसदीय चुनावों में जैन समाज के प्रतिनिधियों को अधिक से अधिक टिकट प्राप्त करवाना। अभी हम टिकट की बात कर रहे हैं, इस टूल किट का पहला कारक है टिकट प्राप्त करना। तीसरा मिशन स्टेटमेंट, विधानसभा एवं संसद के चुनाव में जैन बहुल क्षेत्रों में अत्यधिक दबाव डालकर जैन प्रतिनिधियों को टिकट प्राप्त करवाना। अब वो टिकट प्राप्त करने के लिए हमको अत्यधिक महत्व अत्यधिक दबाव डालना पड़ेगा, प्रेशर ग्रुप का निर्माण करना पड़ेगा, और वही कार्यवाही के अंतर्गत आज हम सब इकट्ठा हुए हैं कि कैसे एक प्रेशर ग्रुप का निर्माण किया जाए और राजनीतिक दल जो टिकट बांटते हैं, जो उनके प्रमुख हैं, उनके ऊपर एक दबाव बने कि जैन समाज की उपेक्षा करना भारी पड़ सकता है, मुश्किल हो सकता है। वो प्रेशर ग्रुप के माध्यम से ही होगा। अगर अच्छी लगे तो आप ताली बजाने के लिए स्वतंत्र हैं। चौथा मिशन स्टेटमेंट, विधानसभा एवं संसद के चुनाव के पश्चात होने वाले नगरपालिका, नगर निगम एवं पंचायत के चुनाव में चेतना निरंतर जागृत रखते हुए जैन अभ्यर्थियों के लिए टिकट प्राप्त करने के प्रयासों को जारी रखना। हमारा काम 2024 में ही समाप्त नहीं होगा, इसके पश्चात भी अगर हमने, जैसा कल बेलगांव से हमारे आए संजय जी ने कहा था कि भाई हम अगर पंचायत से नगर निगम से अगर हमारे लीडर नहीं बने तो ऊपर तक जाने में बहुत मुश्किल होगी, तो नीचे से हमें इस बात की शुरुआत करना पड़ेगी। पिरामिड का जो नीचे का स्तर है वो पंचायत और नगर निगम है, उसके बाद ऊपर और फिर संसद तक वो पहुंचता है। टिकट प्राप्त करने, अब टिकट तो मिल गया, टिकट प्राप्त करने का उपाय क्या है? ये तो हमारा मिशन हुआ कि हमको टिकट मिलना है, कैसे मिलेगा? पहला, राजनीतिक दलों को आग्रहपूर्वक कारण गिनाते हुए पत्राचार प्रारंभ करना। ये अब थोड़ा सा हम लेट हो गए इसमें, पर अगर हम जब तक सबको बार बार चिट्ठी नहीं लिखें, प्रदेश अध्यक्ष हैं, नगर अध्यक्ष हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, चाहे कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे किसी भी पार्टी का हो, हमें पत्राचार निरंतर प्रारंभ करते रहना चाहिए। दूसरा, राजनीतिक दलों के प्रमुखों से प्रत्यक्ष मिलन करते रहना चाहिए ताकि उन पर ये दबाव निर्मित होता रहे, एक के बाद एक मिल रहे हैं, कभी प्रदेश के लोग मिले, कभी नगर के लोग मिले, कभी राष्ट्र के लोग मिले, कभी सिंघवी जी मिलें, कभी हमारे गजराज जी मिलें। तीसरा, अपने शहरों में आने वाले राजनीतिक दलों के प्रमुखों को समाज के कार्यक्रमों में आमंत्रित करना। हम ये करते हैं परंतु अपनी बात को नहीं रखते, हम उनकी सुनते हैं अपनी नहीं सुनाते हैं। हमारे जो अप्रोच है थोड़ा सा उसमें परिवर्तन करना पड़ेगा। कार्यक्रम में उनके समक्ष अपनी बात गंभीरतापूर्वक प्रस्तुत करना, मजाकबाजी में नहीं कि हल्के से कि जैसा हमको टिकट नहीं मिलता, हमारा उपेक्षा हो रही, हमारे तीर्थों का ऐसा और वैसा, उससे काम नहीं चलेगा। गंभीरतापूर्वक अगर आपने ये काम नहीं किया तो समाज कुछ निर्णय ले सकता है, ऐसी बात को गंभीरतापूर्वक अपने कार्यक्रमों में रखना। और चौथा, इस कार्य को अंजाम देने के लिए समाज के कुछ लोगों को प्रशिक्षित करना। होता क्या, कल भी एक मीटिंग हुई, इसमें कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, हम अपनों को अपने विभक्त रूप से पेश कर देते हैं, कोई आदमी कुछ बोलेगा, कोई आदमी कुछ बोलेगा। अगर हमने प्रॉपर प्रशिक्षण दिया, अपने कारक तय किए कि भाई इन्हीं मुद्दों पर बात होगी और यही बात होगी, तो हम अपनी बात को ज़्यादा प्रभावी ढंग से प्रस्तुत कर सकेंगे और ये भी बता सकेंगे हम एक हैं। अगर हम अलग अलग बात करें, मैंने जाके कुछ बात कर ली, फिर गजराज जी गए दिल्ली में, उन्होंने कुछ बात कर ली, फिर घेवरचंद जी गए, उन्होंने और कुछ बात कर ली, तो हम अपने आप को प्रॉपरली पेश नहीं कर पाते। चेन्नई में प्रकाश जी ने कुछ और बात कर ली। राजनीतिक दलों को विश्वास, अब कैसे होगा, हम तो अपनी बात कह रहे हैं पर उनको भी तो विश्वास होना चाहिए कि जो हम कह रहे हैं वो सत्य है या वो गंभीर है या वो सीरियस है। राजनीतिक दलों को विश्वास दिलाने हेतु जनप्रतिनिधियों को टिकट दिए जाने पर समाज आर्थिक रूप से पूर्ण सहायता प्रदान करेगा, इस हेतु उन्हें पत्र प्रदान करना। मैंने पिछली बार कुछ लोगों को पत्र दिए थे कि अगर आपने इन लोगों को टिकट दिए, आनंद कासलीवाल को टिकट दिया, तो हम कटिबद्ध हैं आप उनको पूर्ण आर्थिक, जो कमजोर हैं, जो पैसे वाले लड़ रहा है उसकी तो आवश्यकता नहीं है, पर पार्टी ये भी देखती है कि कार्यकर्ता अच्छा है परंतु उसके पास पैसे नहीं है, तो समाज उसको सहयोग करेगा, ऐसा पत्र सभी लोगों को देना चाहिए। प्रभावी रूप से यह काम हो सके इस हेतु समाज के श्रेष्ठी वर्ग से संकल्प प्राप्त करना। अब मैंने तो चिट्ठी तो लिख दी कि हम दे देंगे, लाऊंगा कहां से? दैट्स अ डिफरेंस, डेफिसिट। बात करना बहुत ईजी है, श्रेष्ठी वर्ग से संकल्प प्राप्त करना एवं बदले में चुने हुए प्रतिनिधि उन्हें सहायता प्रदान करेंगे, इस हेतु आश्वस्त। थोड़ा सा राजनीति लेन देन का मामला है,
अगर हम उनको किसी प्रतिनिधि को सहायता करते हैं तो जब उसका काम हो जाए, अगर हमने किसी से उसको 10 लाख रुपए दिलाए, 20 लाख रुपए दिलाए, चुने जाने पर वो उसको भूल नहीं जाए और उसके काम करने का आश्वासन दे, और आश्वासन नहीं पूरा करे तो फिर हम लोग फिर से उसको कहें कि नहीं भाई, यू आर डूइंग ए रॉन्ग थिंग, आपको अपने वचन का पालन करना चाहिए, उसकी सहायता, ताकि आगे आने वाले वर्षों में भी हमें उससे आर्थिक सहायता प्राप्त हो सके। ये बहुत आवश्यक है कि पहले हम ये संकल्प पत्र भी प्राप्त करें। क्या नाम इनका, हमारे अध्यक्ष जी, काला जी, आपको ये प्राप्त करना होगा। प्रतिनिधियों को जितवाने हेतु एक अब टिकट मिल गया, अब जिताने के लिए क्या कार्य का हो, क्या क्या बात हो सकती है, उसके लिए भी एक टूल किट बनाना चाहिए कि कैसे हम उनको जिताएंगे। टिकट मिलने के बाद हारने पर हमारी और स्थिति खराब हो जाती है अगले वर्षों के लिए, पार्टी सोचती है कि जैन प्रतिनिधि जीतता तो है ही नहीं, काहे के लिए इसको टिकट देना। समाज जन अपनी पार्टी प्रतिबद्धता से परे होकर जैन प्रतिनिधियों को वोट कैसे दे, उन्हें कैसे प्रेरित किया, ये हमारा इंटरनल मामला है कि क्या होता है कि मैं कांग्रेस का हूँ, आप बीजेपी के हैं, कांग्रेस का अगर टिकट मिला तो मैं नहीं देता हूँ क्योंकि मैं पार्टी से प्रतिबद्ध हूँ, मेरे साथ प्रॉब्लम भी है कि आई एम वर्कर ऑफ बीजेपी, अब मैं अगर कांग्रेस को वोट दूँ तो मेरी पार्टी में भी मेरे मानस मार्क होती है, इसको कैसे हम लड़ सकेंगे, इसके लिए एक टूल किट बनाई जानी चाहिए। क्षेत्र में दो दलों द्वारा जैन प्रतिनिधियों को टिकट दिए जाने पर आपसी संघर्ष कैसे रोका जाए, इसके लिए भी एक टूल किट को बनाया जाना चाहिए। मैं गजराज जी से, चंद्र हमारे यहाँ जो उपस्थित घेवर चंद जी से, चंद्र सिंघवी जी से, हुकम चंद जी से निवेदन करूँगा कि इस टूल किट के निर्माण में मुझे सहायता करें कि अगर दो एक ही क्षेत्र में, अभी सागर में शायद ऐसा हुआ था, दो जैन खड़े हो गए और दोनों ने आपस में लड़के अपनी स्थिति खराब की, हम इस संघर्ष को कैसे रोक सकेंगे। इसमें समाज को सीखना पड़ेगा कि क्या नहीं करना है जिससे हम अपने आप को कमज़ोर करते रहे हैं। कल की मीटिंग में भी कुछ ऐसे दृश्य उपस्थित हुए थे कि हम अपने आप को कमज़ोर करने लगते हैं, हम अपने आप को क्वेश्चन करने लगते हैं, हम अपने आप पर प्रश्न उठाने लगते हैं, क्या नहीं करना चाहिए, मैंने वो भी रेखांकित किया है। आप लोग अगर इसके लिए तैयार हों तो अंत में कृपया एक बार ज़ोर से ताली बजाकर इसका स्वागत करें। अभी नहीं, पहले पढ़ तो लें, पढ़ लें पहले। व्हाट्सएप पर अपनी भावनाओं का नियंत्रण करते हुए निम्न कार्य सर्वथा वर्जित करना चाहिए। थोड़ा समय ज़्यादा हो रहा है क्या, पर व्हाट्सएप पे हम बहुत ज़्यादा सक्रिय है, पूरा समाज व्हाट्सएप पे सक्रिय है, अगर इतना सक्रिय राजनीति में होता तो आज हमारे पास कई सांसद प्रतिनिधि होते। अपने आप को नियंत्रित करिए, प्लीज़ कंट्रोल योर सेल्फ। एक महाराज की हत्या हुई तो चाहे जो लिख रहे हैं हम, चाहे जिस पार्टी को गाली दे रहे हैं, चाहे जो काम कर रहे हैं, ये इस पर नहीं हमने कंट्रोल किया तो हम वांछित लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सकेंगे। दूसरा, इस प्रकार के व्हाट्सएप को फॉरवर्ड मत करिए, कहीं से आया आपने उठा के उसको 100 जगह भेज दिया, गलत व्हाट्सएप है, थोड़ा ठीक नहीं है। तीसरा, किसी भी राजनीतिक दल की आलोचना एवं की कार्य प्रणाली की आलोचना सर्वथा वर्जित है, बिल्कुल मत करिए अपने व्हाट्सएप पर। अगर आपको बीजेपी से टिकट चाहिए बीजेपी की आलोचना मत करिए, कांग्रेस से टिकट चाहिए तो कांग्रेस की आलोचना अभी नहीं करिए, इस मंच पर मत करिए, और मंच हैं, आप और अपने कांग्रेस के मंच पर जहाँ खुल के बीजेपी की आलोचना कीजिए, बीजेपी के मंच पर, कांग्रेस के खुद पर, जैन समाज के मंच पर, जैन राजनीतिक चेतना के मंच पर और इसके ग्रुपों पर सर्वथा वर्जित कर दीजिए, कृपया इसका ध्यान रखिए। इस मंच पर किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन भी मत करिए। और चौथा, सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक जैन समाज के बंधुओं को कैसे टिकट प्राप्त हो, यही हमारा एक कार्यक्रम होना चाहिए कि कैसे, चाहे कांग्रेसी हो, बीजेपी हो, आप हो या शिवसेना वाला हो, कैसे उसको टिकट मिले, एकमात्र ये उद्देश्य होना चाहिए। बाकी किसी भी दल की आलोचना, समालोचना या उसका फेवर करना सर्वथा वर्जित होना चाहिए। हम जैन वोटर को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में वोटिंग में भाग लें, जो करीब 100% हो, सुनिश्चित करना होगा। अगर जैन प्रतिनिधि खड़ा और हम ही 80% वोट दे रहे हैं, हम क्या अपेक्षा करते हैं, क्यों नहीं जाते हम सारे के सारे लोग, क्यों नहीं कहते हैं कि आप क्यों नहीं गए, समाज बहिष्कार कर दीजिए उसका अगर वोट नहीं देता है, जैन समाज जाके वोटिंग नहीं करता है। तो राजनीतिक अभियानों में अपनी सहभागिता सुनिश्चित करनी होगी, प्रतिभागियों को भी मैं कह रहा हूँ यहाँ पे, जो आनंद कासलीवाल, होला सोनी वगैरह हैं। तीसरा, जैनों की सहभागिता प्रोटेस्ट और डेमोन्स्ट्रेशन में बड़ी संख्या में सुनिश्चित, आपको राजनीतिक अगर आपकी आकांक्षा हैं तो जो डेमोन्स्ट्रेशंस होते हैं, धरने होते हैं, प्रदर्शन होते हैं, कृपया उनमें जैनों की सहभागिता सुनिश्चित करिए। ऐसा बताइए भी कि देखिए 100 जैन आए, 150 जैन आए, 500 जैन आए, जैसी भी उपस्थिति हो, अगर ये नहीं किया तो फालतू की बातें करेंगे हमको मिल जाए, ऐसा नहीं होने वाला है, हमें ये सब करना होगा। मीडिया में हमारी उपस्थिति निरंतर बनी रहे, यह भी सुनिश्चित करना होगा। राजनीतिक फोरम पर जैन टिकट लाभार्थी भाग लें और अपनी सहभागिता प्रदर्शित करें, हमसे टिकट चाहते हैं, आप कितने से एक्टिव हैं, आप कितने सक्रिय हैं, आपने अपने क्षेत्र में कितना काम किया, ये भी आपको देखना होगा, जो टिकट चाहते हैं उनको।
और प्रजातंत्र में राजनीतिक रूप से जागृत समाज को ही राजनीतिक, अब इसमें नंबर की जो बात बार बार होती है, हमारे पास नंबर कम हो पर अगर हम राजनीतिक रूप से ज़्यादा जागृत हैं तो हमको टिकट मिलेंगे, नहीं मिलने का कोई कारण नहीं है, तो हमें राजनीतिक रूप से भी जागृत होना पड़ेगा समाज को और समाज के कार्यक्रमों में। जैन बंधु को चुनाव क्षेत्र में जाकर उन्हें मैदानी मदद पहुंचाना, टिकट जीता टिकट मिलने के बाद हम अगर अपने घर में बैठे और चाहे कि जैन समाज का जीत जाए, आपको जाना पड़ेगा, उसके साथ बूथ पर बैठना पड़ेगा, उसके साथ रैलियों में भाग लेना पड़ेगा, उसके टिकट की पर्चियां बांटनी वो बांटना पड़ेगा। चुनाव के दौरान जैन समाज के नवयुवकों को प्रोत्साहित कर कम से कम 4 घंटे ड्यूरिंग इलेक्शन समाज के दौरान चुनाव के दौरान 4 घंटे कम से कम नवयुवक काम करें, उसकी रैलियों में भाग लें, उसके लिए घोड़े पे बैठे हैं, उसके लिए रथ पर बैठे हैं, जो आप पंचकर्णकों में करते हैं ऐसा कुछ करें, उसके लिए झंडे लेके आगे चलें। आप जब तक ये नहीं करेंगे हम अपनी बात अपने वांछित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकेंगे। जैन समाज को अपना प्रभुत्व पुनः प्राप्त करने हेतु समाज को 3 प्रकार के दान, बहुत दान करते हैं हम, वो दान हमारे किसी काम का नहीं है। अब क्या दान करना है, 3 प्रकार के दान के लिए प्रेरित करना है, स्वयं को भी इस कार्य हेतु कटिबद्ध करना। पहला समय दान, जो मैंने कहा कैंडिडेट के एरिया में जाके चुनाव प्रचार करिए। अर्थदान, उसकी चर्चा हो चुकी। और तीसरा स्वयं की पार्टी प्रतिबद्धता का दान, सबसे बड़ा दान है और सबसे कठिन दान है। इफ़ यू आर अलाइंड टू कांग्रेस, उसको छोड़ के बीजेपी को वोट देना बहुत मुश्किल है, बट ये दान के लिए जब तक हम सब लोग तैयार नहीं होंगे जैन समाज अपने वांछित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सकेगा। नोटा का प्रयोग, बहुत महत्वपूर्ण स्लाइड है ये, इसमें मैं आप सब लोगों का ध्यान चाहूँगा जो मंच पर बैठे हैं, हुकमचंद जी साहब, चंद्रराज जी, ललित जी, मैडम, इस नोटा के प्रयोग को आप जरूर देखें। जैन बहुल क्षेत्र में जैन योग्य प्रत्याशी के बावजूद प्रत्याशी होने के बावजूद अगर उसे पार्टी टिकट नहीं देती है तो क्या हम नोटा को वोट देकर अपनी नाराजगी को रेखांकित कर सकते हैं? इस विषय पर भी आपके विचार इस मंच पर आमंत्रित हैं। मैं इस विषय पर अभी कोई निर्णय नहीं दे रहा हूं, पर यह एक और माध्यम हो सकता है कि अगर सागर में जैन समाज के आदमी को वोट नहीं दिया गया तो जैन समाज का नोटा को वोट देकर अपनी नाराजगी जाहिर करे, क्योंकि हम ये नहीं कहेंगे कि आप बीजेपी के तो कांग्रेस को वोट दे दो, कांग्रेस का तो बीजेपी को दे दो, अपन नोटा को दे दो, ताकि ये भी नहीं लगे कि कोई हम किसी पार्टी के विरुद्ध हैं। वैसे तो हमारे तीर्थ क्षेत्रों की भी बहुत समस्याएं हैं, परंतु आज तीर्थ क्षेत्र से संबंधित इस मीटिंग में विषय उठाकर अपने मूल उद्देश्य से नहीं भटकें। अतः आपसे निवेदन है कि अपनी वार्ताओं अपनी चर्चाओं को राजनीतिक उद्देश्यों तक ही सीमित रखें। महाराज, तीर्थ क्षेत्र या अन्य हमारी जो समस्याएं उसकी चर्चा आज अभीष्ट नहीं है। अब आप सब लोगों के साथ मिलके एक गान गाएंगे ताकि हम सब में एक जोश के भावना का उदय। कृपया खड़े हो जाएं, कृपया सब अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। हम होंगे कामयाब, जरा जोर से उच्च स्वर से, नहीं तो फिर बैठ जाइए। हम याब एक दिन हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन, हम चलेंगे साथ साथ, हम चलेंगे साथ साथ। हम होंगे कामयाब एक दिन, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। अब जरूरी है हम चल, अब जरा जोर से एक लास्ट लाइन, हम चलेंगे साथ साथ, हम चलेंगे साथ साथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन, हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। आज से
50 साल पहले विदेशों से उच्च शिक्षा प्राप्त श्री अशोक जी बड़जात्या का चिंतन देखी है। बहुत बहुत धन्यवाद अशोक जी बड़जात्या। कभी भी कोई भी थोड़ी तकलीफ में होता है चिंतन के क्षेत्र में, अशोक जी के पास जाओ, सब सॉल्यूशन एक मिनट में। बहुत बहुत बधाई शानदार प्रेजेंटेशन के लिए और एक सही मार्गदर्शन के लिए कि कैसे राजनीति में आगे बढ़ा जाए और कैसे विन प्राप्त की जाए, कैसे जीत प्राप्त की जाए। हम होंगे कामयाब, निश्चित कामयाब होंगे। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष, हमारे मंच के राष्ट्रीय महामंत्री महासभा और ट्रांसपोर्टेशन के मंत्री चेन्नई से पधारे हमारे श्रीमान प्रकाश जी बड़जात्या को। वे कृपया आए और अपनी बात करें। अच्छा, बाहर गए, एनी हाउ, तब तक मैं उसके बीच पहले आमंत्रित करता हूँ राजनीति के चाणक्य 80 साल के युवा को, आदरणीय चंद्रराज जी सिंघवी, जयपुर छात्र राजनीति से केंद्रीय मंत्री तक, कैबिनेट मंत्री तक पहुंचने वाले हमारे चंद्रराज जी सिंघवी। हराना भी जानते हैं, जिताना भी जानते हैं। श्री सिंघवी जी, मंच पर विराजमान सभी मेरे साथियों, आदरणीय गजराज जी बड़जात्या साहब, सबका नाम लेके समय खराब नहीं करूँगा, ये उपस्थित भाइयों, अभी बड़जात्या साहब ने जो बात कही वो ऐसी कही कि राजनीति में सीधी उंगली से घी निकलता है, निकलता नहीं है, राजनीति में टेढ़ी उंगली करनी पड़ती है। अगर हम आपके सब सिद्धांतों को मान लें तो उंगली टेढ़ी करेंगे ही नहीं, सबकी हमें आम नहीं मिला सकते। हम तो विरोध करते हैं, जो हमारे साथ नहीं करता उसका विरोध करते हैं, जो साथ देता है उसे अनुरोध करते हैं। मैं समझता हूँ राजनीति इतना आसान खेल नहीं है। हम सबकी अच्छाई करें, सबकी तारीफ करें, हम करेंगे क्या? हम आलोचना नहीं करेंगे तो राजनीति में रहेंगे क्या? विरोधियों के खिलाफ नहीं बोलेंगे तो राजनीति में ताली बजाने के लिए बैठेंगे हम? हम तो विरोध करते हैं। विरोध ही आपकी ताकत है, समर्थन आपकी ताकत है, समाज के भीतर समर्थन आपकी ताकत है, समाज के बाद विरोध आपकी ताकत है। इस बात को आप भूलना मत। मैं 60 साल से राजनीति में हूँ, सारी राजनीति के दांव पेच देखे हैं। आप मानते नहीं, ऐसे लोगों को जानता हूँ जो 50-50 साल तक निस्वार्थ रह करके एक पार्टी के चरण पादुका उठा उठा कर बुड्ढे हो गए, उन्हें ब्लॉक का टिकट नहीं मिला, डिस्ट्रिक्ट का टिकट नहीं मिला, और लड़ते हैं, छीन के लेते हैं। राजनीति में क्या कहा था चाणक्य ने, साम नाम दंड भेद, चारों का प्रयोग होना चाहिए। केवल नमस्कार करने से, हाजिरी बनने से कुछ नहीं होता है। अरे हम ये कह सकते हैं इस जिले में 8 सीट है, एक सीट दो वरना सात पे हरा देंगे, एक सीट देनी पड़ेगी उनको। आप तो कहते हो नहीं, अरे आलोचना, आलोचना तो राजनीति का जन्म सिद्ध अधिकार है। हम विरोधी की आलोचना नहीं करेंगे क्योंकि हमें मरेंगे, हम तो विरोध करेंगे, व्यक्ति का करेंगे, संस्था का करेंगे, पार्टी का करेंगे, नेतृत्व का करेंगे, सबसे बड़े नेतृत्व का करेंगे। विरोध हमारी ताकत बननी चाहिए, इस पर कमी मत रखना। भीतर समाज में आपने कहा वो बात सही है, एक साथ चलेंगे, एक साथ रहेंगे, एक साथ लड़ेंगे, इस बात को मैं मानता हूँ। बहुत लंबी बात कहने के समय 3 मिनट का है और मैं समय का उल्लंघन नहीं करता, मैं राजनीति में भी विचारों का उल्लंघन नहीं करता। मेरा समय इतना ही था, मैंने कह दिया। अगर मेरी बात का मर्म समझो तो ताकत दिखाओ। आपको बता देता हूँ, आप आज आज मैं बताऊँ, ये लाइटें लग गई, ये लाइटें लग गई हमारी आँख में आ गई, तो मैं आपकी आँख से आँख नहीं मिला सका। जब आँख से आँख नहीं मिला सकते तो दिल से दिल कैसे मिलाए, आप बताइए आप मेरे को। तो आदरणीय बड़जात्या साहब की भावना का सम्मान करते हुए मैं अपने विचारांतर को रोक नहीं सकता। मैं आपसे आज कहता हूँ, वादा करता हूँ, राजस्थान की अगली सरकार में आपकी पूरी भागीदारी होगी, चाहे कांग्रेस या बीजेपी, चाहे दोनों मिलकर विरोध कर ले, हम अपनी भागीदारी लाएंगे, अपनी ताकत दिखाएंगे। और खाली MLA MP बनने से सत्ता नहीं आती है, सत्ता 3 जगह होती है, प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इनमें हमारा हिस्सा होना चाहिए। अगर चीफ मिनिस्टर हमारे कहने में नहीं है, आप 20 MLA ले आओ, अभी है ना 75 MLA सचिन पायलट के साथ, गहलोत सुनतानी है धेलेवर उनकी, MLA लाओ, MP लाओ, ये अलग बात है, ताकत लाओ, सत्ता, सत्ता हमसे झुके, मुख्यमंत्री हमसे झुके, मुख्यमंत्री हमारे यात्रा करे, मुख्यमंत्री हमारी बात को माने, वरना मुख्यमंत्री से टकरा कर उसको बता दिया जाएगा कि तेरा मुख्यमंत्री इतनी आसानी से चलने नहीं देंगे। धन्यवाद। ऐसे ही चाणक्य नहीं कहते, यह नीति है और चाणक्य की नीति से ही, दबंगता से ही आप राजनीति में जीत सकते हैं, आ सकते हैं। आदरणीय सिंघवी साहब को आप व्यक्तिगत भी संपर्क कर सकते हो,
जबरदस्त ताकत रखते हैं और उनका 60 साल का राजनीतिक अनुभव है। और अब मैं श्री अखिलेश जी शाह पधार चुके हैं, उनको मैं ससम्मान मंच पर आमंत्रित करता हूं। अखिलेश जी शाह कृपया पधारें, हमारे राजनीति के उभरते हुए नवीन सितारे हैं। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्रीमान प्रकाश जी बड़जात्या चेन्नई, कृपया आए राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष मंच, राष्ट्रीय महामंत्री महासभा और ट्रांसपोर्टेशन के मंत्री के साथ ही एक प्रमुख सामाजिक और धार्मिक कार्यकर्ता आदरणीय प्रकाश जी बड़जात्या। सबको सादर जय जिनेन्द्र। मैं आज समझता हूँ जागो जो सवेरा, आज परम अपार समूह को देख करके हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। यह जैन समाज जागृत हो गया है, जो सुप्त अवस्था जाग जैन समाज था। देखिए, जैन समाज का अस्तित्व खतरे में है अगर आप एक न हुए। हमें पंथवाद संतवाद सब छोड़ के एक बनना पड़ेगा, ये जरूरी है। कृपया एक होइए। बाकी पुनरावृत्ति में कोई संदेश क्यों नहीं करना चाहता। आदरणीय सिंह जी ने और सब वक्ताओं ने पूरा बात बता दिया है। मैं पुनः यह कहूँगा, अगर जैन समाज एक नहीं होता है तो अपना अस्तित्व खतरे में है, सारे तीर्थ स्थान खतरे में है, सब प्रॉब्लम होती रहेगी। एक होइए, मतभेद भुला दीजिए, एक होकर के जैन जमा जो जाती जो टिकट मिलती है जिसको, उसका सपोर्ट कीजिएगा, ताकि वो चाहे जीते या न जीते, अगर अच्छी वोट लेके आ गया तो कम से कम दूसरी पार्टी मालूम पड़ेगा कि भी जैन समाज में ताकत है। मैं तो ये कहता हूँ कि निर्दलीय खड़ा हो जाए, लेकिन वोट लेकर के उसकी आर्थिक सहायता करें और आगे आए। वो चाहे पार्टी अपने को वोट अगर न टिकट देती है तो टिकट निर्दलीय खड़े होकर के आगे आना जरूरी है। जैन समाज को अपना बताना पड़ेगा। और जैन समाज 45 लाख नहीं है, अगर जनगणना के हिसाब से जैन समाज 4 करोड़ रुपये है। हम चाहते हैं, और अगर मान लीजिए 45 लाख मान भी लें तो जो संख्या है हर जैन समाज का व्यापारी वर्ग कम से कम 100 आदमियों को प्रभावित कर सकता है। अगर एवरेज में 100 आदमी प्रभावित करें तो 4.5 करोड़ आदमियों को प्रभावित कर सकते हैं। इसलिए समझ लीजिएगा, जैन समाज का एक होता है, अपना जीतना निश्चित है, हर जगह निश्चित है, निश्चित है। राज्य जी मैं आमंत्रित कर रहा हूँ गोवा बीजेपी के उपाध्यक्ष हमारे आज के अतिथि श्रीमान अनिल जी जोलापुरे, वे मंच पर कृपया सादर आमंत्रित हैं, मंच पर पधारे हैं। श्रीमान अनिल जी जोलापुरे उपाध्यक्ष बीजेपी गोवा, आपका स्वागत है। और एक क्या नाम दे रहे थे आप? हाँ, कुछ नाम है, ठीक है। मैं अगले वक्ता को, एक दबंग पर्सनैलिटी को आमंत्रित करता हूँ, उसके पहले मैं आपका सम्मान चाहता हूँ। डॉक्टर जैनेन जैन, हमारे ये जो जितनी भी मीडिया में बातें आती हैं वो डॉक्टर जैनेन जैन, एस के जैन भिंड से आए हैं, देवेंद्र जैन डी के आर्थिक प्रकोष्ठ के प्रमुख चार्टर अकाउंटेंट इंदौर के, भारतीय राजनीतिक विकल्प पार्टी के श्री संकल्प जैन दिल्ली से, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रोशन जी अग्रवाल झांसी से, संकल्प जी जैन हो गया, और गिरीश जी पाटोदी, अनीता जी जैन वरिष्ठ पार्षद अशोकनगर, रवि सेन जी जैन बीजेपी भिंड, दिलीप जी सोगानी उज्जैन, संजय जी कासलीवाल उज्जैन, शेखर जी छावड़ा हमारे खंडेलवाल महासभा के अध्यक्ष, श्रीमान कमल जी अजमेरा, कैलाश जी लुहाड़िया नेमीनगर, प्रवीण जी पहाड़िया, रवि जी बिलाला आदि समस्त का स्वागत है, अभिनंदन है। हाथ जोड़कर श्रीमान प्रमोद जी बंडी आदि सभी का स्वागत है। हाँ, श्री रितेश जी पाटनी का स्वागत है। मैं अब आगे आमंत्रित कर रहा हूँ एक दबंग राजनेता को, और जो वास्तविक राजनीति में आपको एक राह बताएगा, छात्र राजनीति से आगे बढ़कर नगर निगम के पार्षद रहे, रेलवे सलाहकार समिति में रहे, कांग्रेस के महामंत्री रहे, राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष मंच के श्रीमान हुकम जैन काका कोटा। सम्माननीय मंच और सभागार में विराजे हुए मध्य प्रदेश और राजस्थान हिंदुस्तान के कोने कोने से आए सभी समाज बंधुओं, अभी हमारे गांधी जी ने इस मंच के माध्यम से एक मंत्र दिया था, कि दोस्ती निभानी है और अपने जैन साथियों को जिताना है और जिन शासन का गौरव बढ़ाना है। तो दोस्तों,
दोस्ती कैसे निभेगी, हमारे जैन साथी कैसे चुनाव जीतेंगे और हमारे जिन शासन की प्रभावना इस देश में कैसे बढ़ेगी, इस पर आज हम चिंतन करने के लिए सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। बंधुओं, पिछले काफ़ी समय से जैन राजनीतिक चेतना मंच के माध्यम से हम लोग इस बात का प्रयास कर रहे हैं कि हमारी जैन समाज में राजनीतिक जागृति पैदा हो। मुझे शर्म आती है और मैं इस बात को बड़े दुख के साथ आपके सामने कह रहा हूँ कि जब अभी सम्मेलन शिखर का मुद्दा आया, हमारे तीर्थ पर आक्रमण हुआ, हमारी आस्थाओं पर आक्रमण हुआ, तब हमारे पास संसद में हमारी बात कहने के लिए एक भी जनप्रतिनिधि हमारा नहीं था। हमें किराए के इधर उधर के सांसदों से ये बात करनी पड़ी। क्यों नहीं हम सबको शर्म आती है, क्यों नहीं इस देश की पूरी जैन समाज जिसे हम कहते हैं 4 करोड़ हैं, हम क्यों नहीं हमारा मस्तक शर्म से झुक जाता है कि आज ऐसे हालात पैदा हो गए, छोटे छोटे समाज जिनकी संख्या ना के बराबर है, वो लोग अपने सांसद ले जाते हैं अपने दम पे, वहाँ कोई सिर नहीं गिनाते हैं, वो भीड़ नहीं दिखाते हैं, अपनी सक्रियता से और अपनी सेटिंग के माध्यम से अपना सांसद बना लेते हैं और अपनी जाति और समाज की बात को संसद में रखते हैं। आज हमें क्यों नहीं इस बात की पीड़ा हो रही है, ये पीड़ा होनी चाहिए और जब तक ये पीड़ा महसूस नहीं होगी तब तक हम राजनीति में आगे नहीं बढ़ेंगे, राजनीति में मजबूत स्थान नहीं प्राप्त करेंगे। इसी भावना को लेकर आदरणीय गजराज जी गंगवाल साहब हमारे जो अध्यक्ष हैं, इनके माध्यम से हमने इस बात का संकल्प किया है कि हम आने वाले जो 4 राज्यों के चुनाव हैं, इन 4 राज्यों के चुनाव में हमारे समाज बंधुओं को पहले इस बात का प्रयास करेंगे कि किसी राजनीतिक दल से उनको टिकट मिले, राष्ट्रीय राजनीतिक दल से टिकट मिले, चाहे कांग्रेस से मिले, चाहे बीजेपी से मिले, चाहे आप से मिले, चाहे कई अन्य दल से मिले, इस बात का प्रयास किया जाएंगे। अगर ये दल हमारी उपेक्षा करते हैं तो इस बात का मादा रखो, इस बात की हिम्मत रखो, चिंता मत करो, कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं हमारा, डरो मत। हमारे साथ ये बड़ी प्रॉब्लम है, जो हमारे व्यापारी साथी हैं, व्यापारी समाज के बंधु हैं, उनको डर लगता है हमारा व्यापार खराब, कुछ नहीं कर सकते हैं। ये सिंघवी साहब आपके सामने बैठे हैं, पूरे हिंदुस्तान के नेताओं से टक्कर लेते हैं, अकेले किसी से डरते नहीं, आज तक इनका कोई नहीं बिगाड़ पाया, और जब चाहते हैं जिसको हराते हैं और डंके की चोट पे हराते हैं, कह के हराते हैं कि 20 लिस्ट आई है, 20 बीजेपी के लोगों को हराऊंगा तो हराते हैं, और कांग्रेस के लोगों को हराना है तो हराते हैं। ये दम होना चाहिए, ये हिम्मत होनी चाहिए, और ये मादा, ये हिम्मत जिस दिन हम समाज बंधुओं में पैदा हो जाएगी, ठीक है राजनीति करने वाले गिने चुने लोग हैं, वो नहीं बोलें, वो विरोध नहीं करें, पर जो आम हमारे समाज का बंधु है, जिनको राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, वो किसी पार्टी से जुड़े हुए नहीं है, किसी विचारधारा से जुड़े हुए नहीं है, उनको क्या तकलीफ है, वो क्यों बंधे हुए हैं? अगर हमारी उपेक्षा होती है, हमारे को टिकट नहीं दिया जाता है, हमें प्रताड़ित किया जाता है, तो क्यों नहीं हम उनके खिलाफ़ जाकर काम करें, उनके खिलाफ़ वोट डालें। अभी हमारे बड़जाते साहब ने कहा कि हम नोटा का प्रयोग करें, मैं नोटा पे बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। नोटा पे अगर हम वोट डालते हैं, हमारे वोट का मिसयूज करते हैं, हम उसको ख़राब करते हैं। अगर हमें कोई प्रताड़ित करता है, हमारी उपेक्षा करता है, तो रिजल्ट लाना चाहिए। जो पार्टी हमारी उपेक्षा करती है, हमारा वहाँ पर आधार होते हुए हमें टिकट नहीं देती, उसको हराओ। जब तक हम नहीं हराएंगे तब तक हमारी पूछ नहीं होगी। आप नोटा पे डाल दोगे, कोई आपको पूछने आने वाला नहीं है। ये आपने मेरे को कहा था कि अपना विचार बताइए, मेरा विचार है, मैं आपकी बात को काट नहीं रहा हूँ, मैं अपने विचार व्यक्त कर रहा हूँ कि मेरे विचार से अगर बीजेपी ने हमारी उपेक्षा की तो बीजेपी के कैंडिडेट को हराओ, कांग्रेस को जिताओ। कांग्रेस ने उपेक्षा की तो कांग्रेस के कैंडिडेट को हराओ और बुरी तरह हराओ, ताकि उनको एहसास हो जाए कि इस बार हमने जैन समाज की उपेक्षा की है, इसलिए हमें ये बुरी तरह हार देखनी पड़ी है। उसी दिन उन सभी पार्टियों को इस बात का एहसास हो जाएगा कि हमें इस प्रबुद्ध समाज की, चाहे हमारी संख्या कम है पर हम वोटों को प्रभावित करने की संख्या ज़्यादा रखते हैं, हमारा राजनीतिक सामाजिक प्रभुत्व और आर्थिक प्रभुत्व ज़्यादा है, हमारे सबके बड़े बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठान है, क्यों नहीं हम हमारे से जुड़े हुए लोगों के माध्यम से हम इस बात का प्रयास करें कि उस राजनीतिक दल को जो हमारे साथ उपेक्षा करता है उसको हरा दें। हराना पड़ेगा, ये सिंघवी साहब से हमें सीखना पड़ेगा। साथ ही ये तो एक बात हुई, हम
सकारात्मक क्या करने जा रहे हैं, तो हम इस मंच के माध्यम से सारे प्रदेशों में प्रदेश मुख्यालय पर एक ट्रेनिंग कैंप आयोजित करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे निर्मल जी कासलीवाल का सहयोग हम लेना चाहेंगे। उनके माध्यम से इस तरह के ट्रेनिंग कैंप हम आयोजित करेंगे। उन ट्रेनिंग कैंपों में इस बात को बताया जाएगा कि टिकट राजनीतिक दलों से टिकट कैसे प्राप्त किया जाता है, उसमें साम दाम दंड भेद पैसा कोड़ी धूमधाम प्रदर्शन दिखावा ये सब चीज़ें बताई जाएगी। क्योंकि हम थे तो क्षत्रिय पर जैन धर्म स्वीकार करके हम बनके हमारी जो क्षत्रियता थी, जो संघर्ष करने का मादा था, वो हमारा ख़त्म हो गया। पर जब तक हम रोड पर संघर्ष नहीं करेंगे, अगर राजनीति करनी है तो रोड पर संघर्ष तो करना ही पड़ेगा। जब तक धरना प्रदर्शन गिरफ्तार होने से डरते हैं, एक पुलिस वाला आ जाता है किसी जैनी के घर पर तो पूरा खानदान घबरा के सो जाता है, पूरे को क्या हो गया अरे क्या हो गया, आ गया तो आ गया, क्या फ़र्क पड़ता है। जब तक हम जेल नहीं जाएंगे, धरना नहीं देंगे। मैंने राजनीतिक जीवन में, जब मैं स्टूडेंट लाइफ में था और राजनीतिक जीवन में 10 केस लगे मेरे, मैं कभी नहीं डरता था। जेल जाते थे तो ऐसे जाते थे, भीड़ इकट्ठी करके जाते थे, जुलूस बना के गिरफ्तारी देते थे, शान से छपते थे, अखबारों में छपते थे। क्यों नहीं छपना चाहते हम, क्या तकलीफ है, काय का डर है? कोई चोरी थोड़ी करी है, अन्याय थोड़ी किया है, किसी की लूट थोड़ी करी है, किसी बहन बेटी थोड़ी छेड़ी हमने। राजनीतिक मुद्दों पर हमने संघर्ष किया है, चक्का जाम किया है, धरना दिया है, किसी की टेबल में किसी के कार्यालय में तोड़फोड़ की है, तो करेंगे, क्यों नहीं करेंगे? हमारी उपेक्षा करेंगे तो करेंगे, कार्यालय में तोड़फोड़ भी करेंगे, किसी के साथ धक्का मुक्की करनी होगी तो वो भी करेंगे। ये सब करेंगे तभी राजनीतिक दलों के नेताओं की नज़र पड़ती है हमारे ऊपर, ऐसे नहीं पड़ती है। सकारात्मक काम करने से कभी नेता की दृष्टि में आप नहीं आ सकते हो, आपको दृष्टि में आने के लिए ये सब काम करने पड़ेंगे। तो हम ट्रेनिंग कैंप आयोजित करेंगे, उन ट्रेनिंग कैंपों में ये सब चीज़ हम बताएंगे सेलेक्टेड लोगों को जो राजनीति में रुचि रखते हैं। ऐसे युवा, ऐसी हमारी बहनें जो राजनीति में रुचि रखती हैं, बहन जी बैठी हैं अभी, इतने बड़े पद पर अपने व्यक्तिगत दम पर ये नीति आयोग की मेंबर बनी है, छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी पोस्ट है नीति आयोग का मेंबर बनना। संजय जी हैं, विधायक बने, दोनों सांसद बनने की स्थिति में, तो मैं तो इस मंच के माध्यम से और आप सभी की ओर से इनको आगामी शुभकामनाएं देता हूं कि आप सांसद का टिकट मांगें। आपको कहीं भी भीड़ दिखाने की ज़रूरत हो, आपको ऐसा लगे कि कोई नेता आया है, कोई ऑब्जर्वर आया हुआ है, वहाँ पे हमें भीड़ चाहिए, आप दिल्ली में भीड़ की ज़रूरत है, आप राजनीतिक चेतना मंच के माध्यम से हमें बताएं। हम पूरे देश के एक एक बस भी हम लेके आएंगे, एक एक दो दो बसें लेके आएंगे, तो 200-500 आदमी तो हम वहाँ पे खड़ा कर देंगे और आपके साथ हम जाएंगे। ओके, हम इनकी विधानसभा, हम तो ये कौन देख रहा है कौन किसकी विधानसभा से आया है, किसकी लोकसभा से आया है, उनको ये थोड़ी पता है। भीड़ देखनी है, किसको पता है कि सारी जनता खुरई की आई है, किसको पता है बेलगांव के लोग आए, सारे देश के लोग जाएंगे और हम कहेंगे इनको टिकट दो, हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हम इनके साथ हैं, हम इनको जिताएंगे। ऐसा वातावरण बनाना पड़ेगा, ऐसी कोशिश करनी पड़ेगी। जिस दिन ऐसी कोशिश हम करने लग जाएंगे, उस दिन स्वतः ही टिकट मिलने लग जाएंगे। याचना नहीं होगी, अब रण होगा, संघर्ष महाभीषण होगा। बंधुओं, वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो। वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या, जिस पथ में बिखरे सूल न हो। नाविक की कार्य कुशलता क्या, नाविक की कार्य कुशलता क्या, जब धाराएं प्रतिकूल न हो। अगर धाराएं प्रतिकूल नहीं है तो फिर क्या लड़ने का क्या मजा आएगा। लड़ने का मजा तो जब ही आएगा जब धाराएं प्रतिकूल हों। और सभी राज्यों में हम प्रदेश इकाइयां स्थापित कर रहे हैं, प्रदेश इकाइयों के माध्यम से जिला इकाइयां भी हम बना रहे हैं, जिला इकाइयों के माध्यम से तहसील पंचायत स्तर पर, और जब छोटे चुनाव होते हैं उनमें भी हम ये प्रयास करेंगे। हम सब जगह जाएंगे, सब जगह इस बात का प्रयास करेंगे कि छोटे चुनाव से लेकर ऊपर बड़े चुनाव तक हम आगे बढ़ें। नीचे से हम जीत के आएंगे, संघर्ष करते हुए आएंगे। तो जो आदमी संघर्ष करके आता है वो पैराशूट वाले लोग नेता ज़्यादा नहीं चल पाते हैं, जो संघर्ष करके नीचे से आते हैं वही नेता आगे बढ़ता है, वही बढ़ता है और वही आगे प्रोग्रेस करता है। तो ये साथ ही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी यहाँ विराजमान है, सारा राष्ट्रीय नेतृत्व तो यहाँ है। मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है
सब सक्षम है। सारे प्रदेश मुख्यालयों पर एक एक ऑफिस और एक स्थान ऐसा होना चाहिए जहां हमारे नेता लोग आवें, जिनको ठहरने का स्थान हो, चाहे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, कैसा भी करने पड़े, साधु भगवंतों के पास जाना पड़े, झोली लेके अगर पैसे भी मांगने पड़े, चंदा भी करना पड़े, तो ये सब ये काम आप सब करें। मैं भी आपके साथ चलने को तैयार हूँ अगर सब जगह, क्योंकि क्या होता है राजनीति में सबको प्रदेश मुख्यालय पर जाना पड़ता है, आठ आठ दिन वहाँ रहना पड़ता है। आज दिल्ली की जो राजनीति करते हैं, किसी को लोकसभा का टिकट लेना, आठ दिल्ली रहना है, दिल्ली रहना है, होटलों में रहना पड़ता है, बड़े खर्चे होते हैं। अगर हमारा कोई ऐसा स्थान होगा जहाँ पर हमें रियायती दर पर या बहुत निःशुल्क ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी, तो हमारे लोगों के लिए राजनीति बहुत सुलभ हो जाएगी। तो मैं चाहता हूँ कि जो सक्रिय राजनीति नहीं कर सकते, जो संघर्ष नहीं कर सकते, हमारे यहाँ ऐसा एक तबका है जो रोड पर संघर्ष नहीं कर सकता, लाठी नहीं खा सकता, जेल नहीं जा सकता, पैसे वाले हैं, संपन्न लोग हैं, उद्योगपति हैं। तो मेरा आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, सब लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि ऐसी परिस्थितियां बना दो, कोई ऐसी संस्था के माध्यम से ऐसी हर प्रदेश मुख्यालय पर ऐसा स्थान बन जाए जहां हमारे राजनीतिक चेतना मंच का मुख्यालय हो, हमारा ऑफिस हो, और वहीं पर हमारे ठहरने के, हमारे साथियों के ठहरने की जगह बन जाए, छोटी मोटी बन जाए, पर उनको उसका लाभ मिल जाए। तो ये मेरा आपसे निवेदन है। ज़्यादा कहने को तो बहुत सारी बातें हैं, बाद में कभी फुर्सत में मिलेंगे, क्योंकि समय की सीमितता है, मैं ज़्यादा बोल लिया, इसके लिए आपसे क्षमा। धन्यवाद। जय जिनेंद्र। हुकमचंद जी साहब, जो नोटा की बात है, थोड़ा सा मेरा मतलब ये था, नोटा की जो बात है, अगर किसी विधानसभा क्षेत्र में जहाँ जैन बहुल है, जैसे सागर है, इंदौर का कोई क्रमांक चार है, नहीं मिले, और दोनों पार्टी ने दे, एक पार्टी अगर दे देती है तो हम उसको वोट देंगे, नोटा को क्यों वोट देंगे? दोनों पार्टी ने वोट नहीं, टिकट नहीं दिया, तो फिर नोटा का उपयोग करें कि नहीं, बात ये थी। हराने की बात नहीं है इसमें, अपनी नाराज़ी रेखांकित करने की बात है कि अगर जहाँ जैन बहुल है, जहाँ जैन प्रत्याशी योग्य है, वहाँ दोनों पार्टी अगर वोट टिकट नहीं देती है, तो उस स्थिति में क्या किया जाना चाहिए? अभी आपने दबंग काका को सुना, दबंग काका मैं बोलूँगा, इन्होंने बोला कि क्षत्रिय थे और बनिए हो गए, तो वास्तविक विधायक बनिए, सांसद बनिए, मंत्री बनिए, प्रधानमंत्री बनिए, बनिए हो गए, ऐसे बनिए बनिए है ना, निश्चित वो भी बनिए सार्थक है, और वो जब बनिएंगे तो वो भी बनिए सार्थक। और मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री प्रकाश जी भटवारा, AIIMP के हमारे प्रमुख हैं और अनेक सामाजिक राजनीतिक संस्थाओं के प्रमुख हैं, सेवा गतिविधियों में प्रमुख हैं श्री प्रकाश जी भटवारा, हमारे दीपक जैन टीनू जो पूर्व सांसद और युवा पार्षद है, आप पधारे और आज हमारे दीप प्रज्वलन करते भी थे। मंच पर उपस्थित सभी राजनीतिक विभूतियों को प्रणाम करता हूं। अब नाम सबके नहीं लेता हूं मैं। आज जो चर्चाएं हो रही राजनीति की, बहुत ही आवश्यक है, समय हमने बहुत गंवा दिया वैसे ही, और हम पीछे होते जा रहे हैं। कल भी मैं मीटिंग में गया था, चंद्रराजी सिंघवी ने बहुत जोश भरा, वो वास्तव में ये जोश ही हमारे काम आएगा। एक बुजुर्ग नहीं, 1 साल के जवान है वो, तालियां जोरदार बजाएं उनके लिए। एक बार हम चाहते हैं कि आपने कल एक बात कही थी मीटिंग में कि जाट, गुजर, ब्राह्मण, ठाकुर सबके नेता, एक एक दो दो नेता हैं, वो टिकट दिलाते हैं। हमारा कोई नेता है अभी जो टिकट दिला दे हमें? नेता बनाओ एक बड़ा, एक नेता बनाओ देश में, जे समाज का सब मिल करके टांग नहीं खींचे किसी की, जो बन जाए पर हमारे को टिकट दिलाए, राजनीति में आगे बढ़ाए। कल बहुत अच्छी बात लगी मेरे को आपकी, उस पर हम चले विचार करें कि देश में हमारे लिए बोलने वाला कोई है कि नहीं है। टिकट मांगते रहो मांगते रहो मांगते रहो, भिखारी की तरह मांगते रहो, मिलेगा नहीं आपको। अरे कब मिलेगा, हम कब आगे बढ़ेंगे? मेरा आपसे एक ही निवेदन है, पूरे देश में चंद्र सिंह साहब से ऐसी टीम बनाओ, आप ऐसी एक टीम बनाओ
कि एक देश में कहीं पर भी एक दो नेता ऐसे हों, चार नेता हों जो हमारी बात करें, हमारी बात को रखें और ये उनको बोले कि हम हरा देंगे जो टिकट नहीं दोगे, तो ताकत से बात को रखें, तब हमारी बात तो सुनी जाएगी, हम क्या आगे बढ़ पाएंगे। जैन समाज की विकृति, विडम्बना, मंदिर स्थानक जो हो रही है, हमारी दुर्गति उसको हम देख रहे हैं, उसको कैसे संभलेगा जब हम आगे नहीं आएंगे। और एक बात बताऊँ, देश में, भारत देश में राजनीति के अलावा हमारी कोई सुरक्षा नहीं है। राजनीति में आना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, जब हम बच पाएंगे, हमारे भाई को बचा पाएंगे और आगे बढ़ पाएंगे। क्यों? कि राजनीति सत्ता, बस सत्ता ही है सब कुछ जो है ये। तो इसीलिए हमारा आपसे निवेदन है कि मैं तो वो छोटा आदमी हूँ, ज़्यादा बोल नहीं सकता हूँ, परंतु मेरे को जो बात अच्छी लगी है, मैं ये कहना चाहूँगा कि देश में कोई ऐसे एक दो चार आदमी अपने बन जाएं जो हमारी बात के दोनों पार्टी में हर जगह हमारी बात को रखे और हमारी बात को रख करके हमको आगे बढ़ाएं। हमको शुरुआत करें नगर निगम से, पार्षद से, विधायक से, जगह जगह शुरुआत करें अपन। और अभी हमारा IAS का IPS का चल रहा है, जियो जीतो, बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छी बात है, उसमें हम आगे बढ़ रहे हैं, बड़ा राजनीति में हम पीछे हैं। तो इसीलिए मेरा कहना है कि ऐसी आप सब बैठ के ऐसी प्लानिंग करें, ये मीटिंग भी हो रही, पर वास्तव में एक घर में बैठ के, बंद कमरे में बैठ करके कोई ऐसी तैयारी करें, ना जोरदार माहौल पैदा करें, ऐसी खूबसूरत मतलब देश के अंदर ऐसा बनाए कि हम कि भाई हमें टिकट चाहिए, नहीं टिकट चाहिए तो बहुत अच्छी बात बोली है कि नहीं दिया तो हरा देंगे, अरे हरा देंगे। और वाक्य में यह काम करेंगे जब भी लोग सुनेंगे हमारी। अब ये जैन समाज की बात करूंगा कि हम कहाँ कमजोर हैं, अरे देश चला रहे हैं, हम देश चला रहे हैं, हमारी गिनती कहाँ होना चाहिए, वो गिनती नहीं हो रही हमारी। हमारा बहुत योगदान है देश को, परंतु क्या है कि हम बोल भी नहीं पा रहे हैं, ना कुछ कर पा रहे हैं, सिर्फ डंडा बंद करें अपन और आगे बढ़ें। हुकम जन जी घोटाने भी बहुत अच्छी बात है बोली है, वो भी आगे। तो मेरा एक ही निवेदन है कि कहीं ना कहीं ऐसी इस मंच के माध्यम से, राजनीतिक मंच के माध्यम से कोई ऐसी व्यवस्था बने कि आगे जा करके हमको लाभ मिले, हम आगे बढ़े और हमारा काम हो। धन्यवाद। जय जिने। बहुत सुंदर ये बात अभी जो बताई कि यदि टिकट नहीं मिले तो हमारे पास ऐसे भी शेर हैं जो निर्दलीय लड़ते हैं। दिनेश बोस जैन महितपुर से जरा खड़े हो जाएं अपनी जगह पे। 55,000 मत लाकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और राजनीतिक पार्टियों को बता दिया कि बिना टिकट के भी आ जाओ, दो बार लड़े, दोनों बार 55,000 से ज़्यादा वोट, ऐसे शेर चाहिए। धन्यवाद आपको। ये कुछ नाम हमारे पास आए हैं आदरणीय, उनका मैं उपस्थिति स्वीकार करता हूँ और उनका स्वागत करता हूँ। राजन गंगवाल गोमटगिरी, ऋषभ पाटनी, हेमंत सोगानी, सनत गंगवाल, सिंह प्रकाश झांझरी, ममता बड़जात्या, सचिन जैन उद्योगपति, आदरणीय सुरेंद्र जैन, राम राजू भैया, यस, और संदीप गंगवाल, बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम आगे बढ़ते हैं। मैं अब शेरों के बीच में आमंत्रित कर रहा हूँ दक्षिण के शेर को। मैं आमंत्रित कर रहा हूँ पूर्व विधायक श्री संजय जैन पाटिल बेलगांव से। वे शिक्षा के क्षेत्र में है, दबंगे और उनको सुनना, कई भाषाओं में उनका कमांड है। ऐसे यंग डायनामिक लीडर श्रीमान संजय जैन पाटिल, दक्षिण के शेर बड़ी मूछों वाले हैं। मंच पर आसीन सभी को जय जिनेंद्र, और जिनके कारण हम यहाँ बैठे आप सभी को भी जय जिनेंद्र। मेरा हाल बहुत ख़राब है, क्योंकि जैसे घर में खाने की थाली होती है उसमें सारे डिशेस लगाए होते हैं और थाली के बाहर एक ग्लास होता है जिसमें पानी होता है। थाली तो बहुत स्वाद के साथ सारे लोग खा जाते हैं, पानी पिया तो भी चलता है, नहीं पिया तो भी चलता है। और ये पानी का ग्लास दक्षिण से आया है, एक ही ग्लास है, बाकी सब उत्तर भारतीय बैठे। लेकिन ये भी सच्चाई है, एक घूट पानी पिए बिना भी खाना खत्म नहीं होता, इसलिए एक घूट पानी का काम करने के लिए मैं आया हूँ। और खास करके दक्षिण भारत में मैं इसलिए प्रसिद्ध हूँ कि सभी लोग कहते हैं कि साड़ी के दुकान में महिला को मत भेजो, किसी तालाब में किसी जानवर को मत भेजो और किसी माइक के पास संजय पाटिल को मत भेजो। और इन्होंने कहा है 3 मिनट में खत्म करना, अब मैं करूं तो भी क्या करूं, चलो फिर भी कोशिश करता हूं 3 मिनट में मेरी बात खत्म करूं। चलो रिश्वत में 2 मिनट एक्स्ट्रा मिले। सभी बड़े बुजुर्ग बैठे हैं हमारे और एक से एक
रति महारति ऊपर बैठे। मैं इसलिए आता हूँ दक्षिण भारत से यहाँ तक कि इनको देखता हूँ तो एक ऊर्जा लेकर जाता हूँ मैं यहाँ से, इनको पता नहीं, वो ऊर्जा मैं चोरी करके लेके जाता हूँ और उस ऊर्जा का इस्तेमाल करके दक्षिण भारत में जलवा दिखाता हूँ मैं। ये सारे ऊर्जावान बैठे हैं, पॉजिटिव एनर्जी मैं लेकर जाता हूँ यहाँ से, इसलिए कोई कार्यक्रम मैं यहाँ का बिल्कुल आना जरूरी है और आता भी हूँ। और मैं एक बात बताना भी चाहता हूँ, मैं ये बात नहीं मानता कि इस कार्यक्रम से बहुत कुछ बदलेगा, मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता कि इस कार्यक्रम से बहुत कुछ बदलेगा, लेकिन मुझे विश्वास है किसी हारे हुए जैनी के दिल में उम्मीद का दिया जरूर जलेगा। मैं आया यहाँ बैठा था, हमारे गंगवाल जी सर बैठे थे उनके बाजू में बैठा, कमल आजमराज जी हमारे मित्र आए और मेरे कान में कहने लगे, संजय पाटिल जी सांसद बनना चाहते हैं, मुझे भी ऊपर करके बैठे हो, एक संकल्प करके जाना, अगर तुमको सांसद का टिकट ना मिले तो मुझे कटवा दूंगा। मैंने कहा मैं जैनी हूँ, जोश में होश खोने की नादानी मैं नहीं करूँगा और आने वाली परिस्थिति में जीत हासिल करूंगा, चाहे दुनिया परेशान रहे मुझे क्या लेना देना है, दुनिया परेशान रहे मैं बिल्कुल परेशान नहीं होऊंगा। और हम संख्या में कम है, जैनी है संख्या में कम है, लेकिन सबसे ज्यादा दम है, फिर किस बात का गम है, आगे बढ़ना है, काम करना है, ये चलता रहेगा जलवा ये कारवां। बस मैं सबकी बातें सुन रहा था, मुझे हमेशा कहता हूँ हम सब एक उम्मीद रखते हैं कि एकता हो हमारे बीच, एक ही एकता रहेगी तो हम जीतेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन हमारी कमजोरी भी है, अगर मुझे टिकट मिला मेरे मन के हिसाब से हुआ तो एकता हो, अगर मेरे जैसा नहीं हुआ तो ना एकता ना पार्टी ना समाज। भाषण और आचरण में जब तक अंतर रहेगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। और भाषण ये ऐसी बात है कि इसमें ना GST है ना इनकम टैक्स है, नरेंद्र मोदी जी ने सब पे GST लगाई, भाषण पे बिल्कुल नहीं लगाए, जिसके कारण हमें मुफ्त का माइक मिला तो दे दनादन शुरू हो जाते हैं, उसमें मैं भी आया, लेकिन मेरी कोशिश है, मैं चाहता हूँ आप सबसे, हम सब लोग पहले ये तय करें, मैं सभी लोग और ऐसे ही है सभी बैठे हैं, सिंघवी साहब तो चाणक्य के नाम से जाने जाते लेकिन मुझे पता नहीं, लेकिन मैं उम्मीद रखता हूँ आप सबको गिराइए, लेकिन किसी जैनी को मत गिराइएगा, वो चाहे किसी भी पार्टी से चुनाव लड़े, आप चाहे आपका दिल भी दुखा है, हमारे धर्म में ही क्षमा वीरस्य भूषणम का स्लोगन हमें मिला है, अगर जैनी कोई गलती करता है कोई भूल करता है तो उसे क्षमा कर दो, उसे आगे बढ़ने दो, हम सिर्फ ये दुनिया बहुत खराब है हर जगह धोखा है, अरे तू अच्छा बन जा तुझे किसने रोका है। हमारा कहा है कि मैं हमेशा यही कहूंगा, सब लोग बुरे हैं, सब लोगों ने धोखा दिया है, वो गलत है, मैं उसको क्यों छोड़ दूं, वो ऐसा करेगा तो मैं क्यों छोड़ दूं, अरे उसमें और तुझ में थोड़ा तो अंतर है क्योंकि तू जैनी है, पूरे हिंदुस्तान में पूरे वर्ल्ड ने कोरोना के वक्त जाना कि जैनियों का आचरण ही पूरे हिंदुस्तान को पूरे विश्व को आबादित रख सकता है, फिर हम क्यों जैनी बनकर थोड़े से जैनी का उस धर्म को आचरण में लाने की कोशिश ना करें। और आगे बहुत सारे बातें हो रही है, तालियां भी बज रही, लेकिन मैं एक सुझाव भी देना चाहूंगा, खास करके हमारे आज जो काला जी बैठे हैं उन्होंने ये कार्यक्रम का आयोजन किया है, जब तक हमारा ये जैन राजनीतिक जितना मंच जीवित ना रहेगा ना बढ़ेगा तब तक ये सारे सपने रात के अंधेरे में देखे हुए सपने ही होंगे, अगर इनको सच में उतारना है तो पहले हमारी इस राजनीतिक चेतना मंच को जीवित रखना है। और बस मैं छोटा सा सुझाव देता हूँ, शायद पता नहीं करते भी होंगे आप सभी लोग, हम जितने 20-25 लोग ऊपर बैठे हैं सब लोग पहले 1-1 लाख रुपए की राशि इस चेतना मंच को हम सब लोग मिलकर दे, और जो बाकी बैठे वो 5,000 दे 10,000 दे, वो सारा अमाउंट एक जगह कलेक्ट करिए और हर साल हर एक स्टेट में अधिवेशन हो, नहीं तो सिर्फ उत्तर भारत में होगा, हमारे दक्षिण वालों का क्या होगा, हमारी तरफ भी थोड़ी सी आपकी निगाहें टर्न कीजिएगा, हम आपके हैं, हमें दक्षिण में जरूर रखा है लेकिन आपके है ये मत भूलिएगा, हम आपके साथ रहना चाहते हैं और हम ये जरूर वादा करते हैं सारे उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में कोई अंतर नहीं, जैनी जहां भी रहे वो हमारा अपना है, पूरे विश्व में कहां भी रहे वो हमारा अपना है, तो
तो जैनियों का अगर अच्छा होना है, वो आगे बढ़ना है, वो कामयाब होना है, तो हम सबको मिलकर, और कल एक बात निकली थी, बड़े बुजुर्ग थे, मैं बीच में नहीं बोला, यहाँ जानबूझकर समय लेना चाहता हूँ, पहले हम आपस में हमारा जो युगो और लड़ना है ना, हमारे गुरु थे तरुण सागर जी, मुझे हमेशा एक बात कहते थे, संजय लड़ लेना, झगड़ लेना, मार लेना, पीट देना, बोलचाल बंद मत करना। और आपको भी मैं यही राय देना चाहता हूँ, लड़ो झगड़ो, क्योंकि लड़ाई और झगड़ा नहीं, ऐसा परिवार नहीं, ये तो समाज है। मैं इस बात को बिल्कुल नहीं मानता कि एकता करनी है, एक ही रहना है, जो जो कर रहा है उसे करने दो, मुझे अच्छा करना, इतना हमारे दिमाग में होना चाहिए, मेरे मन में होना चाहिए, और तभी जैन राजनीतिक चेतना मंच का एक सपना जो है, अशोक बर्जा जी ने तो बहुत ही अच्छा गीत भी सुनाया, कहीं गए शायद, कहाँ गए, हमको कामयाब होने के लिए बोल के कहाँ गए, कहीं बाहर गए, चलिए, बहुत अच्छा जोश उन्होंने हमारे अंदर जगाया, और इतने अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं, सबकी राय, सबकी जो सोच है, इसे आगे लेकर जाऊंगा, दक्षिण भारत तक आपके विचारों को पहुंचाने की कोशिश भी करूंगा, आने वाले चुनाव में ज़्यादा से ज़्यादा सांसद बने, इसलिए जो ऊपर हमारी टीम बैठी है, ये सारे टीम, यहाँ विराट कोहली भी बैठे हैं, वीरेंद्र सहवाग भी बैठे हैं, महेंद्र सिंह धोनी भी बैठे हैं, सचिन तेंदुलकर भी बैठे, सारे छक्के लगाने वाले यहाँ बैठे हैं, हम तो यहाँ सारे क्या 12वें और 13वें खिलाड़ी है, सब लोग, हम सब लोग मिलकर आपके साथ रहेंगे, बस कोशिश कीजिएगा कि आने वाले ये 24 का जो चुनाव है, इस चुनाव में हमारे ज़्यादा संख्या हो, अगर सचमुच जैन राजनीतिक चेतना मंच अच्छे सपने के और अच्छे इरादे को लेकर चल रहा है, तो मुझे यकीन है जब 2025 का हमारा अधिवेशन होगा, कम से कम 5 सांसद उस अधिवेशन में हमारे जैन के आए, वो सपना लेकर अगर हम चले, तो इस अधिवेशन को भी महत्व आएगा, और आप सब जो कोशिश कर रहे हैं उन, मैं जैन समाज के बारे में एक लाइन बोल के खत्म करता हूँ, हमारी हालत क्या हुई है मालूम है, सारा समंदर मेरे पास है, एक बूंद पानी मेरी प्यास है, हमारे पास सब कुछ है, सब तरह से, सब लोग, कोई उद्योगपति है, कोई और क्या है, कुछ किसी बात की कमी नहीं है, फिर भी हमारी जो प्यास है कि अब राजनीति की दुनिया में जैन समाज को मान सम्मान मिले, वो कमी जो है, उस कमी को अगर पूरा करना है, तो हम सब लोग मिलकर, हमारे सारी बातें, एक एग्जांपल देकर बात को खत्म करता हूँ, अभी आपने परसों देखा, इंडिया बनाया गया, सारे विपक्षी दल एक होकर इंडिया बनाए, हम क्यों ना बनाए, आपस में जियो जीतो क्या क्या है, सब करो, सब लोग अच्छा काम कर रहे, लेकिन आपस में मत लड़ो, आपस में ये मत करो, सब लोग अच्छा ही काम कर रहे, फिर क्यों लड़ाई, फिर किस बात का झगड़ा है, सबका इरादा जैनियों को बढ़ाना है, जैनियों को आगे साथ लेकर चलना है, जैनियों के साथ रहना है, फिर तू मैं, तू बड़ा तू छोटा क्यों, जैन है यही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि पिछले जन्म के अच्छे कर्म का फल है कि हम जैनी बने हैं, सारे धर्म अच्छे है, सारे समाज अच्छे है, मैं एक बात हमेशा कहता हूँ, इस दुनिया में बहुत सारी नदियां बहती है, लेकिन गंगा नदी की बात कुछ और है, इस दुनिया में बहुत सारे मंदिर बने हैं, लेकिन अयोध्या के राम मंदिर की बात कुछ और है, इस दुनिया में बहुत सारी भगवान की मूर्तियां खड़ी है, लेकिन श्रवण बेलगोल की गोमटेश्वर भगवान की बात कुछ और है, इसी दुनिया में बहुत सारे समाज है, लेकिन दिगंबर जैन समाज की बात कुछ और है, बहुत बहुत शुक्रिया, जय जैन। एक निवेदन था, आपने बोला कि जैसे राजनीति चेतना मच है, तो हमने इसे 2.5 महीने में इकट्ठा करके अधिवेशन करा, सही है सही है, नहीं सिर्फ 20 या 30 दिन में चुनाव डिक्लेयर होते हैं और फिर कोई विधायक या एमपी बनता है, वो रात दिन मेहनत करता है चुनाव जीतने के लिए, ठीक उसी तरह हमारे मध्य प्रदेश की जो इकाई है, इस अधिवेशन को बेहतरीन और सफल बनाने के लिए 20 दिन में इतनी मेहनत की है कि पूरा हॉल भरा हुआ है, मैं मुझे लगता है बहुत सालों के बाद ये नज़ारा मैं देख रहा हूँ, और इस मेहनत के लिए हम सब आपके तहे दिल से शुक्रगुजार है, आभार प्रकट करते हैं, आप लोगों ने जितना भी किया है समाज के लिए किया है, शादी में बहुत सारे बुलाते हैं, लेकिन यहाँ बुलाने वालों की कमी है, क्योंकि यहाँ समाज का काम है, इसलिए आप सबका शुक्रिया, और हमें बोलने का मौका दिया, और मुझे थोड़ा एक्स्ट्रा समय देने के लिए दक्षिण की तरफ से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, जय जनेंद्र।
कन्नड़ और महाराष्ट्र का शेर यदि हिंदी में भी दहाड़ता है तो क्या बात है। संजय जी पाटिल को बधाई, शानदार। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ एक महिला नेत्री को, जो अभी अभी हम सब लोग अभी विधायक सांसद और अनेक पदों की उस दौड़ में है, टिकट प्राप्त करने की और जीतने की दौड़ में है, ये तो जीत चुकी है। राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त, नीति आयोग की अभी अभी सदस्य नियुक्त हुई श्रीमती अर्चना जी एन खरे को मैं आमंत्रित करता हूँ। वे आए, वे हमारा गौरव है, नारी गौरव है, श्रीमती अर्चना जैन, सदस्य नीति आयोग खरे। सम्मानित मंच को मेरा नमन है और मेरे सामने उपस्थित मेरे भाई बहन, सामाजिक इस संगठन में उपस्थित सभी बड़े छोटे हम सभी को मेरा यथायोग नमन है। यहाँ उपस्थित प्रेस सभी को नमन। आज इस जैन राजनीतिक चेतना मंच प्रादेशिक अधिवेशन में आने के लिए मुझे जो यहाँ ऑर्गेनाइज किया हुआ है और जिन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया है उनके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ। चूँकि मुझे इसका कुछ भी पता नहीं था और या यूँ कह लें कि मुझे समय नहीं मिल पाता है और मैं इतना कुछ नहीं देख पाती हूँ अभी, तो मुझे अचानक सुधा सागर जी महाराज जी के यहाँ से एक मैसेज आया, फिर दूसरा और तीसरा आया। चूँकि मैं दिल्ली में थी और मेरा आज एक बड़ा कार्यक्रम था चंडीगढ़ में, जो पूरे हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं उनके द्वारा मेरा एक सम्मान था और सारा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज हो चुका था। चूँकि मेरे कार्यक्रम एक माह पहले डिसाइड हो जाते हैं, तो मैंने कहा कि अब क्या किया जाए, तो मैंने वहाँ बहाने करके कि मैं अस्वस्थ हूँ, जो भी अब झूठ बोलना पड़ा मुझे, और मैंने कहा नहीं, चूँकि महाराज श्री का यहाँ से आदेश है तो मुझे वहाँ पहुँचना जरूरी है। और मैं यहाँ आई, बहुत ही अच्छा लग रहा है, हम एक माला में पिरोए हुए हैं अब समाज को देख के, और यहाँ उपस्थित सभी एक से एक धुरंधरों को मैं सुन रही थी, तो मेरे पास तो अब कुछ भी नहीं रह गया है, सब कुछ बता ही दिया है यहाँ उपस्थित मंच में। और बस मेरा एक, चूँकि मैं एक जैन परिवार के साथ साथ एक महिला हूँ और मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ मेरा प्रयास था, ये मेरा श्रम था और सिर्फ मैं यहाँ अपने ही बल पर पहुँची हूँ, अपने परिश्रम से, मैंने सिर्फ अपने काम से अपने नाम की पहचान बनाई है। और ये मेरा परिवार ऐसा नहीं है कि कोई भी राजनीति में हो, कहीं से भी, मैं पितृपक्ष से मेरे सारे परिजन सब शासकीय सर्विस में हैं और ससुराल पक्ष से सभी बिजनेसमैन, इसलिए आज तक कहीं किसी का सपोर्ट नहीं है, लेकिन मैं यूनिवर्सिटी से, कॉलेज लाइफ से हमेशा पॉलिटिक्स करती आई हूँ और मेरे सामने जब भी कोई खड़ा होता था तो विड्रॉ कर लिया करता था, तो कहीं ना कहीं ये मेरी शक्ति ही थी। और शक्ति प्रदर्शन बहुत ज़रूरी है। देखिए आज हम जिस समाज में रह रहे हैं, जैसे कि अभी आप सुन रहे थे कि हमें कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं मिला, किसी भी समाज के लिए जब टिकट में वितरण किए जाते हैं तो उसका एक गॉडफादर हुआ करता है कि भाई ये हमें टिकट देंगे, ये समाज के इससे टिकट मिलेंगे, लेकिन हमारे लिए आज तक कोई गॉडफादर नहीं मिला। तो क्यों नहीं मिला? कहीं ना कहीं हमारी गलतियाँ भी हैं और हमारी ही गलतियां हैं। देखिए हम ये बात माननीय प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं कि जैन समाज सबसे बड़ा टैक्स अदा करता है जिससे पूरा भारतवर्ष चल रहा है। हम देने के लिए हैं नहीं, ठीक है हम अपना फर्ज अदा कर रहे हैं, लेकिन हर व्यक्ति कुछ ना कुछ तो चाहता है और हम अपने कर्तव्य पथ पर चल रहे हैं तो हम ये चाहेंगे कि उसमें से हमारे लिए भी दायित्व हों, हम भी कुछ कर सकें, हमारा भी सांसद हो, विधायक हो, महापौर हो, पार्षद हो, तो सबसे प्रथम श्रेणी सबसे नीचे से चलें
और हमारा पार्षद हो, हमारा ही सब वो, ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ कि कहीं कहीं क्या होता है कि समाज का भी एक संतुलन बनाना पड़ता है, लेकिन हमारे यहाँ जहाँ 75% समाज भी है वहाँ भी हम एकत्रित नहीं है, संगठित नहीं है, क्या वजह है? क्योंकि हम ही अपनों के दुश्मन हैं। एक बार महाराज जी कह रहे थे कि समुद्र किनारे एक डलिया में केकड़े रखे हुए थे, तो किसी व्यक्ति ने देखा और मछुआरे से बोला, अरे तेरे पूरे केकड़े छोड़कर आ गया तू, वो तो सारे निकल जाएंगे। तो उसने जवाब दिया कि ये केकड़े एक अगर बाहर आएगा तो दूसरा उसकी टांग खींच लेगा, इसलिए ये बाहर नहीं आ पाएंगे। तो हम अपनों के लिए नहीं कर पाते हैं, हम ही उनकी टांग खींच रहे हैं। देखिए, समाज को बदलना पड़ेगा, हमें समाज को संगठित होना पड़ेगा, तभी हम कुछ कर सकते हैं। और इसके लिए अगर एक 500 का नोट है वो गंदा है, गुड़ी गुड़ी है, उसके लिए कुछ भी है, पुराना है, गला है, गीला है, जो कुछ भी है, लेकिन वो हम अपनी अपना मूल्य है, उसका अपना मूल्य है, आप उसे अच्छे से रखेंगे। और अगर उसी 500 के नोट के आप 4 टुकड़े करके फेंक दीजिए, वो कोई काम का रहेगा क्या? बताइए, हम आपसे पूछ रहे हैं, कोई काम का रहेगा क्या? आप जोड़ भी लेंगे तो भी नहीं रहेगा वो काम का। और ऐसा ही हमारे समाज में है, आप सब एकत्रित होइए, संगठित होइए, विघटन से कुछ नहीं मिलेगा। हम अल्पसंख्यक जरूर हैं पर हम एक्सीलेंट हैं, हम इतने पावरफुल हैं कि हम में इतनी क्षमताएं, हम देश को चला सकते हैं। मैं जिस पद पे हूँ अभी तक वहाँ कोई भी वुमेन्स पद नहीं था, मैं प्रथम महिला हूँ। और आज जितने भी योजनाएं बन रही हैं, जब भी अमित शाह जी और माननीय मोदी जी बैठक होती है तो मेरा उसमें पूरा योगदान होता है, क्योंकि मैं उसकी सदस्य हूँ और बाकी सब सदस्य केंद्रीय मंत्री हुआ करते हैं। तो देखिए, कहीं ना कहीं अपनी ताकत का जोर आजमाइए। और जैसा कि भाई साहब बोल रहे थे, अभी कक्का जी बोल रहे थे कि हमें तोड़फोड़ करना हो, कुछ करना हो, विरोधियों से ही आदमी चौंकता है। और हम कहें कि अरे एक आदमी आ गया हमारे यहाँ और वो एक पुलिस वाला आ गया, हमारा पूरा घर ऊपर से नीचे तक, महिलाएं, पुरुष, बुजुर्ग सभी घबरा जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें अपना अगर वर्चस्व दिखाना है, अपनी शक्ति दिखाना है, तो बढ़ चढ़ के रोड पर भी आना है। अपने सारे सम्मेलनों के अलावा आप सम्मेलन रखिए हर जगह, और समाज को संगठित करना भी जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ कुछ और चीज़ें भी हैं। आप अपने घर से शुरुआत करेंगे, आज अगर आपके पसंद, आपकी समाज में भी अगर आपके पसंद का व्यक्ति को टिकट नहीं मिलता है तो हम घर बैठ जाएं, हम उसका सपोर्ट नहीं करें, तो ये गलत है। आप अगर वो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है तो जो आर्थिक रूप से मजबूत लोग हैं वो उनकी सहायता करें। अगर मैं गलत कह रही हूँ तो उपस्थित मंच से मैं चाहती हूँ कि मेरा आप उत्साह वर्धन करें कि मैं गलत हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम सपोर्ट नहीं करते हैं तो छोटा व्यक्ति, मान लो टिकट मिल भी गया तो निर्थक हो जाएगा उसका टिकट मिलना। तो कहीं नहीं, अगर सार्थक करना है तो सहयोग भी ज़रूरी है। और आप सब लोगों से ये कहना कोई ज़रूरी नहीं है, आप हम सब समझते हैं कि हमें करना क्या है। और अगर इस समय जिन राज्यों में चुनाव हैं वहाँ अगर हम संगठित नहीं हुए तो आगे वही होगा कि अभी शिखर जी का जब प्रकरण उठा था तो अमित शाह जी से मैंने स्वयं कम से कम 10 से 15 बार समय मांगा कि हमारी कोर कमेटी जो है उनके साथ आप सदस्य जो आए हुए हैं उनसे मिल लीजिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा फिर 10, फिर 15, फिर अगले 10, ऐसे ही उन्होंने टाल के निकाल दिया समय, लेकिन टाइम नहीं दिया था। और फिर ओम बिरला जी के सब साथ जो कुछ खास सदस्य थे तो उन्होंने कहा था कि आप लोग जो डिसाइड करेंगे हम मान लेंगे। तो उस समय कितनी हमें ग्लानी होती थी कि हमारा वजूद क्या है, हम अल्पसंख्यक हैं लेकिन हैं तो पावरफुल, हम ही चला रहे हैं देश के लिए, बस यही कमी है हमारे अंदर कि हम एकता में नहीं बंधे हैं, और वही जरूरी है। धन्यवाद, नमस्कार, जय जनम।
जी बिल्कुल, जहाँ भी कभी अधिवेशन हो, कहीं भी कह रही हूँ मैं, ये नहीं कह रही हूँ कि मध्य प्रदेश में, कहीं भी अधिवेशन हो, बस मुझे थोड़ी सी सूचना पहले अगर मिल जाती है तो मेरे जो कार्यक्रम होते हैं मैं सेट कर लेती हूँ और मैं वहाँ उपस्थित रहूँगी, और धर्म के लिए मेरी खून की आखिरी बूंद भी लगाना पड़े तो मैं तैयार हूँ। और जहाँ जहाँ टिकट वितरण में मेरा सहयोग रहेगा मैं बढ़ चढ़ के प्रयास करूँगी, बहन भाइयों को जो योग्य हैं, जो जहाँ हो सकेगा मैं पूरा प्रयास करूँगी। और मैं अपना मोबाइल नंबर यहाँ से शेयर कर रही हूँ तो आप लोग फीड कर लीजिए, लेकिन पहले एक मैसेज आएगा उसके बाद ही हम बात कर पाएंगे। जी आप मोबाइल नंबर 9516971124। मैं अर्चना जैन, सदस्य फ्रॉम नीति आयोग, धन्यवाद। 9516971124। मैं रिपीट कर देता हूँ मैडम, आपने यदि चुनाव लड़ना है और अधिकतम सीट प्राप्त करना है तो दृढ़ता से अपनी बात कहना है, बिल्कुल। और आज मैडम ने केंद्रीय राज्य मंत्री तक की जो सफ़र तय किया है वो अपनी काबिलियत से और अपने आप को स्थापित करके किया है। हम आपके इस कार्य को नमन करते हैं। और हमारे बीच पूर्व सांसद राज्यसभा सदस्य माननीय श्रीमान मेघराज जी जैन पधार चुके हैं, उनके स्वागत के लिए कमलेश जी आप उनका स्वागत वहाँ करवाएं। और मैं आशा जी सोनी को आमंत्रित करता हूँ, वे श्रीमती पद्मा जी भोजे और श्रीमती स्नेहलता जी सोगानी का स्वागत वहीं मंच पर करें। आशा जी सोनी करवाएं पधारें और कमलेश जी एक व्यवस्था करके हमारी महिला नेत्रियों का सम्मान करवाएं। मैं उपस्थित देवेंद्र सोगानी जी, दिलीप लोहाड़िया जी, ऋषभ पाटनी जी, अरविंद सर जी, दिलीप गंगवाल जी आदि का स्वागत करता हूँ। जैन पत्रकार समाज के पत्रकार बंधु भी आए हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करता हूँ। और अब श्री राकेश जी गोधा, और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ श्री सुकीर्ति जी जैन कटनी से, कृपया पधारें। इस बीच मैडम जो ओम बिरला जी को प्रतिनिधि मंडल मिलने गया था शिखर जी का, मैं भी एक अदना सा उसमें सदस्य था उस प्रतिनिधि मंडल में और वहाँ हमने सक्सेस कुछ प्राप्त की थी, थैंक यू वेरी मच, आपने उसको एक्नोलेज किया। श्री सुकीर्ति जी जैन पूर्व विधायक एवं संगठन मंत्री कटनी। आदरणीय मंच पर विराजमान जैन समाज के जागृत चेतनाशील व्यक्तित्व, आज ये इंदौर का अधिवेशन पूरे मध्य प्रदेश में राजनीतिक चेतना लाने के लिए जैन समाज का नेतृत्व करने के लिए मील का पत्थर साबित होगा। सामान्यतः शैक्षणिक संस्थाओं से जुड़े होने के कारण मैं अपनी बात को बिंदुवार ही कहना चाहूँगा, उसके पहले भारतीय जनता पार्टी से कृपया आप सभी लोग भोजन पर आमंत्रित रहेंगे, लेकिन इस मीटिंग के बाद तो हमारा निवेदन है कि अभी हाल में से बाहर नहीं जाएं, अभी सुने, अभी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और मुख्य अतिथि का उद्बोधन होना है जो हम सब के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। इसके अलावा एक और निर्णय हमको लेना है, मैं उन लोगों को बुलाऊंगा यहाँ, आप मान लीजिए जो कैंडिडेट हैं उनको बुलाऊंगा, उनसे बात होगी। बोलिए, धन्यवाद। राजनीतिक क्षेत्र में संगठन के एक प्रमुख पद पर बैठे एक व्यक्ति ने, जब मैं टिकट मांगने गया तो उन्होंने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात मुझसे कही थी, और वो बात आज पूरी चर्चा का सार के रूप में आप समझें। उन्होंने ये कहा कि आप टिकट मांगने आए हैं, पार्टी तो उसको टिकट देती है जो पार्टी का बनता हुआ काम बिगाड़ सके या बिगड़ा हुआ काम बना सके। जिस दिन हमारे में ताकत पैदा हो जाएगी अपने संगठन के दम पर, अपने बुद्धिबल के दम पर, कि किसी भी राजनीतिक दल का यदि हम बड़ा हुआ काम
उसको ये भय पैदा कर दें कि हम बिगाड़ भी सकते हैं और बिगड़ा हुआ काम ये विश्वास पैदा कर रहे हैं हम बना भी सकते हैं, तो हमारा महत्व और हमारे अधिकार हमें मिलने लगेंगे। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, प्रजातंत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में आपको आपकी योग्यता ही बढ़ाना पड़ेगी। कोई भी व्यक्ति आपको अवसर तस्तरी में प्रस्तुत नहीं करेगा, आपको छीनना पड़ेगा और छीनने की ताकत पैदा करना पड़ेगी। तीसरी बात, जब चुनाव का समय आता है तो हम चुनाव लड़ने के लिए समाज के पास में, दलों के पास में जाते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के लिए हमें समय से संकल्प लेना होता है। एक विधायक का टिकट मांगने के लिए कम से कम 10 से 15 साल की हमें होमवर्क करना पड़ता है, पूरे क्षेत्र का हमें सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करना होता है और फिर उसके हिसाब से अपनी योजना बनाकर अपने आप को प्रस्तुत करना होता है। जब पार्टियों के सर्वे होते हैं विभिन्न स्थानों पर, तब हमारी पूर्व की उपस्थिति हमारी पहचान दिलाती है और हमें अपना हक दिलाने के लिए सहयोगी होती है। तीसरी बात, चौथी बात, मैं बुंदेलखंड का रहने वाला हूँ। बुंदेलखंड में जैन समाज में ज़्यादातर लोग क्षत्रिय समाज से आए हैं, अलग अलग जगह की अलग अलग भौगोलिक स्थिति है। हमारे साथ में हमारे मनीष नायक जी भी हैं, वो भी बुंदेलखंड के रहने वाले हैं। हम 1993 में जब चुनाव लड़े थे उस समय उनकी उम्र बहुत कम रही होगी, लेकिन कम से कम 150 साथियों के साथ में कटनी जब चुनाव में पहुंचे और मैं हारा हुआ चुनाव जीत गया आखिरी के 3 दिनों में। तो हमें ये संकल्प लेना पड़ता है कि हमें यदि चुनाव जीतना है, पार्षद बनना है, तो हमें अपनी व्यक्तिगत ताकत पैदा करना पड़ेगी और उसकी योजना समय से बनाना पड़ेगी। बंधुओं, एक बात हमें जरूर समझ लेना चाहिए कि एक समूह की ताकत होती है। हम अपने कार्यकर्ताओं का समूह पैदा करें, पारिवारिक रिश्ते पैदा करें, समाज में जो वोटर्स हैं उनके सुख दुख में पहुँचें। कोरोना काल में बहुत कुछ किया, रिकॉर्ड मेंटेन करें और जब समय आएगा तो वही व्यक्ति आपके कार्यकर्ता बनकर आपको चुनाव जिताने में सहयोग प्रदान करेंगे। निश्चित रूप से कुछ बिंदुओं पर यदि आप चिंतन मनन और क्रियान्वयन करें तो राजनीतिक क्षेत्र में कोई शख्सियत आपको रोक नहीं सकती है, आपका महत्व बढ़ाती रहेगी। इन्हीं विचारों के साथ में मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आदरणीय सुभाष जी का आदेश और पीठ में ठोक रहे हैं तो मैं इसका इशारा समझ गया हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। जय भारत। इसलिए होगी कि इनको टिकट मिले और ये जीते। एक उनको बुला लेते हैं, ला देना नाम। हाँ, एक मिनट। हाँ, बस मैं श्री राजेश जी दद्दू और हमारे प्रदीप जी गंगवा से निवेदन करता हूँ कि वे अग्निबाण के संपादक, उद्योगपति और इंदौर के प्रतिष्ठित आदरणीय राजेश जी चेलावत को ससम्मान मंच पर लेकर आए और स्वागत करवाएं। सुभाष जी काला, एक महत्वपूर्ण घोषणा है। इसके पहले मैं माफ़ी चाहते हो श्री कमल अजमेरा जो यहाँ बैठे हैं, बहुत ही महान सामाजिक कार्यकर्ता और कई पदों के अध्यक्ष जनरल सेक्रेटरी हैं। माफ़ी चाहते हुआ कि मैं उनका नाम नहीं ले सका, उनका स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। अब यहाँ कुछ कैंडिडेट्स बैठे हैं, मैं चाहता हूँ कि वो सब कैंडिडेट्स जिनका मैं नाम बोलता हूँ वो 2 मिनट के लिए स्टेज पर आए। श्री होलास जी सोनी, कृपया आइए। हाँ, वो तो हो रहा है। सुप्रसिद्ध अखबार के मालिक अग्निबाण के हमारे बीच में है, हम उनका स्वागत अभिनंदन करते हैं। होलास जी सोनी, कृपया आइए। श्री सुरेश जी सेठी नसरुल्लागंज से आए हैं, आइए। श्री अखिलेश जी श्री दीपक टीनू जैन ये नहीं आ पाए हैं तो हम इनके पिताजी को बुला रहे हैं।
श्री संजय जैन पाटिल। संजय पाटिल जी कहाँ गए, आइए आइए। श्री सुकीर्ति जैन, अरे श्री पुष्पेंद्र जैन, श्री अक्षय बज शायद नहीं आ पाए हैं, और श्री स्वप्निल जी कोठारी वो भी नहीं आ पाए हैं, और श्रीमती आशा होला सोनी आइए। अब बोल दूँ, हाँ आप लोग ध्यान दीजिए, आप सब लोग जैन समाज से विधानसभा के, और श्री रवि सेन जी जैन भिंड से आइए, श्री विजय सेठी खाचरोस से आइए, तो नाम नहीं हमारे पास, श्री सुनील जैन चिरौंज, और भी जो लोग इलेक्शन लड़ना चाहते हैं कैंडिडेट्स हैं, श्री सुनील जैन हैं, शिरोन सिंह वासुदा से विपिन जैन, कृपया आइए आप सब लोग एक साथ आ जाइए। सुरेश सेठी और सुरेंद्र जी मुंगावली से आइए। पवन जी गुहारा, पवन गुहारा नाम ही लिखा है यार, नाम बोला नहीं आपने, कहाँ बोल देता हूँ, पवन गुहारा जी, सुरेंद्र जैन, सब लोग बैठे हैं अभी। बहुत ही एक महत्वपूर्ण संकल्प, एक नाम और बोले, सुरेंद्र जैन हरदा, सुरेंद्र जैन हरदा वाले आए क्या, राहुल जैन स्पोर्ट्स बुला रहा है, राहुल जैन स्पोर्ट्स, सुरेंद्र जैन हरदा, नसुरन से आ गए, सुरेश सेठी खड़े, एक अशोक जी छाजर आइए, पद्मा भोजे आइए, आप बैठिए, ये जैन समाज के सभी लोग विधानसभा चुनाव के लिए कैंडिडेट हैं, और लोकसभा के लिए भी हैं, जो भी एक दो लोग हैं, तो मंच इनसे एक वचन चाहता है कि अशोक जी छाजर करनी आ जाइए, मंच इनसे एक वादा चाहता है, वचन चाहता है कि इन मन यदि ये लोग चुनाव जीतते हैं, तो यहाँ इस मंच से वादा करें कि जैन समाज के प्रत्येक गांव में सहयोगी बनेंगे, और प्रत्येक कार्य सहयोगी बनने के साथ पूरी मेहनत से जैन समाज का काम करेंगे। अब एक और बात, समाज के जितने भी यहाँ बैठे हैं महानुभाव, उनसे भी हम एक वादा लेना चाहते हैं कि हमारे इन कैंडिडेट्स को जिताने के लिए, विजय दिलाने के लिए तन मन धन से सहयोग करेंगे। बोलिए, हाथ उठा के बोलिए प्लीज। सर जितने भी कैंडिडेट हैं अभी यहाँ, और जो भी ऑडियंस अपनी बात रखना चाहते हैं, अगला सेशन 2:30 बजे से इसी जगह पे आरंभ होगा, और ये अभी समाप्त नहीं हो रहा है, अगले सेशन में हर एक को उनकी बात रखने का मौका दिया जाएगा, वो रखें, और यदि कोई सवाल भी करना चाहें तो मंच से उसका जवाब भी दिया जाएगा, वो अगले सेशन में होगा। अभी कुछ लोग रह गए, हमारे मुख्य अतिथि अध्यक्ष राजेश जी चलावत, जो यहाँ के प्रमुख अखबार के मालिक हैं, वो गेवर चंद जी साहब, ये सब रह गए हैं, तो राजेश जी 2 मिनट आप आइए प्लीज। मैं बुला रहा हूँ, आप तो बुला रहा हूँ, धन्यवाद, देखिए अपनी जगह, सभी को धन्यवाद, और आपको बहुत शुभकामनाएं, निश्चित रूप से आप टिकट प्राप्त करेंगे और जीत के आएंगे। मैं अब आमंत्रित कर रहा हूँ इंदौर के प्रसिद्ध दैनिक न्यूज़पेपर अग्निबाण के संपादक आदरणीय राजेश जी चेलावत को, वे पधारे। अरे सुभाष जी, प्रदीप जी, राजेश जी को आमंत्रित करें, सभी अपने स्थान पर विराजने का कष्ट करें। हमें अभी हमारे मुख्य अतिथि एवं
हमारे अध्यक्षता कर रहे हुए गंगवाल जी दोनों को भी सुनना है। आदरणीय राजेश जी चलाओ साहब। देश भर से पधारे हुए सभी सम्मानित जैन बंधुओं, काफ़ी लंबे समय से आपका और हमारा यह कार्यक्रम चल रहा है। निश्चित रूप से आपने सभी लोगों को उनके विचारों को सुना होगा। इंदौर शहर पूरे मध्य प्रदेश की कर्मस्थली है, धर्मस्थली है और राजनीतिक की धरा भूमि भी है। जब प्रदीप गंगवाल मेरे पास आए और उन्होंने कहा कि वो एक राजनीतिक मंच की स्थापना करने जा रहे हैं, तो मैंने उनसे कहा कि इसका बीजारोपण पूरे राष्ट्रीय स्तर पर होना चाहिए। और मुझे आज बड़ी खुशी है कि हम सब लोग यहाँ पर पूरे देश के अलग अलग शहरों से आए हुए सम्मानित जैन बंधुओं के साथ में यहाँ पर विचार उत्कर्ष के लिए मौजूद हुए हैं। मैं प्रदीप गंगवाल और उनके सभी साथियों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि इंदौर की धरा पर जिस बीज का बीजारोपण हुआ है वो वटवृक्ष बनकर पूरे प्रदेश में अपनी राजनीतिक छवि को स्थापित करें। केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि राजनीतिक मंच बनाने से काम नहीं चलेगा। जो भी उम्मीदवार खड़ा हो, समग्र रूप से उसे जिताने का प्रयास किया जाए। जिस दिन राजनीतिक दलों को ये भरोसा हो जाएगा कि जैन संगठन अपने बूते पर किसी व्यक्ति को विजयी बनाने की क्षमता रखता है, उस दिन उम्मीदवार आपकी तश्तरी में परोसकर दिए जाएंगे। तो आज संकल्प ये लें कि इस समाज का कोई भी व्यक्ति अगर चुनाव में खड़ा होता है तो उसे विजय बनाने के लिए सामूहिक प्रयास होंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय चलावा साहब। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ आज के हमारे माननीय मुख्य अतिथि महोदय श्रीमान घेवरचंद जी साहब, जैन बोहरा मुंबई, अध्यक्ष जैन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जीओ। कृपया पधारे और साथ में श्री मणिंदर जी जैन। अरे आइए सर, आप दोनों साथ आइए। हाँ आइए मणिंदर जी को भी। राष्ट्रीय अध्यक्ष दिगंबर जैन, श्री दिगंबर जैन महासमिति और पता नहीं वो तो 100 संस्थाओं के प्रमुख हैं, अभी परसों ही अमेरिका जा रहे हैं। मणिंदर जी जैन जो हमारे जैन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट है, वो 2 मिनट बात करेंगे प्लीज। अभी सभी लोगों को मैं जय जिनेन्द्र बोलूँगा, आप जय महावीर बोलिएगा। जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र, जय जिनेन्द्र। मंचासीन सभी को प्रणाम करता हूँ और आप सभी को भी जय जिनेन्द्र पुनः करता हूँ। हम लोग आज मैं जियो की तरफ से आप लोगों के सामने उपस्थित हूँ, हालांकि श्री दिगंबर जैन महासमिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। और बहुत कड़वी बात से शुरू कर रहा हूँ, हमारे जैनों की हालत विधवाओं की तरह हो गई है। अरे ताली तो बजाओ बात को सुन के। हम लोग विधवा हो गए हैं जैन लोग। हम लोगों को कुछ भी, सब लोगों ने एक कोने में बैठा दिया है और हम लोग कुछ भी नहीं कर पाते हैं। बहुत बड़ी बात मैंने आपको बोली है। इसी चीज़ को दूर करने के लिए, विधवा विवाह करने के लिए हमारे आचार्य श्री नयपद्म सागर जी ने बहुत बड़ी परिकल्पना की है। उस परिकल्पना में हम लोगों ने प्लान किया है कि हम पूरे देश के अंदर 8 से 10 ऐसे जैन लोगों को चिन्हित कर रहे हैं जो कि चुनाव जीतने की स्थिति में है। बहुत ध्यान से सुनिए, जो मंच पर बैठे हुए वो लोग भी सुने। ऐसे लोगों को हम लोग चिन्हित करने जा रहे हैं, 10 लोगों को, और उन 10 लोगों के लिए हम तन मन धन से जान लगाएंगे, जिसमें धन पे ज़्यादा जोर रहेगा। आप लोग ध्यान कर लीजिए, क्योंकि ऐसे व्यक्ति उनको पूरा 1 साल, अभी हम उनके नाम लेने जा रहे हैं, सभी लोगों से पूरे देश से नाम मांगने जा रहे हैं हम लोग, जहाँ पे जैन लोग चुनाव जीतने की स्थिति में हैं। साथ ही साथ हम लोगों का एक डेलीगेशन माननीय नड्डा जी से, सोनिया जी से और दूसरी पार्टियों के अध्यक्षों से मिलने जा रहा है, जहाँ हम उनसे निवेदन करेंगे या तो आप इन लोगों को टिकट दें, मिल करके लड़ें हम लोग, अन्यथा हम लोग स्वयं इसमें लड़ेंगे और इसके लिए आपकी जिम्मेदारी होगी। और आपको बताते हुए खुशी है
क्योंकि मैं देश की 11 बड़ी संस्थाओं का चेयरमैन और अध्यक्ष हूँ। ऑलरेडी इस बारे में मीटिंग हो चुकी है हम लोगों की, और अगर हम पर अच्छे नाम आ गए तो इस बार हमारे कम से कम 5 से 7 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होंगे। 100% मैं आपको बता रहा हूँ, ये मैं बिल्कुल अंदर की बात बोल रहा हूँ। हमेशा आप मोदी जी के मन की बात सुनते हैं, मरिंदर के मन की बात भी सुन लीजिए कि मैं जो बात कह रहा हूँ वो बिल्कुल सच बात बोल रहा हूँ। और हमारा कितना भी पैसा खर्च करना पड़े, हम 5 से 7 लोगों को जिता करके लाएंगे यहाँ पर। दूसरी चीज़ जो सभी लोगों को है, हमारे जैन समाज में नेता बहुत हो गए हैं, कार्यकर्ता बहुत कम हैं। सबसे बड़ी समस्या कार्यकर्ताओं की हो गई हम लोगों के पास में। मैं जहाँ भी देखता हूँ कितनी जगह हमारे जैन लोग इसीलिए हार जाते हैं कि उनके अपने ही हमारे जैन लोग उनको सहयोग नहीं करते हैं। तो इसको दूर करने के लिए हम लोगों का पूरा प्लान बनाया जा रहा है, और उसके लिए जो हम सब लोग बोलते हैं, मेरे भाई साहब का जो भजन गाना था आपने सुना ही है, नहीं दिगंबर श्वेतांबर तेरह पंथी स्थानक वासी, हम जैनी अपना धर्म जैन इतना ही परिचय केवल हो। तो आज मैं दिगंबर होते हुए जियो के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि जियो ने मुझको प्रेसिडेंट बनाया है अपना, और 36 लोगों में एक दिगंबर पूरा पताका लेकर के चल रहा है, आप देख लीजिए सभी के साथ में। और आचार्य नए पद्म सागर जी के इतने मन है, वो चाहते हैं कि मैं कैसे भी 5 से 7 लोगों को इस बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट देखूं। मैं 545 में से 0 हैं हम लोग, 245 राज्यसभा में सिर्फ 2 लोग हैं हम, आप सभी को नाम मालूम ही है, लहर सिंह जी का और वीरेंद्र हेगड़े जी का, सिर्फ 2 हैं। और हमारे देश की 4230 MLA सीट्स में से हम लोग सिर्फ, बताएंगे कोई कितने हैं 4230 MLA सीट्स में से कितने हैं, बताएं आप लोग, कोई बता पाएगा? टोटल हम लोग 37 लोग हैं हमारे पूरे देश के अंदर, समझ लीजिए 4230 में से। तभी तो सब लोग कहते हैं कि जैनों की जनसंख्या नहीं है, तो हमको इस मिथक को तोड़ना है। और मैं चाहता हूं कि हमारे यशस्वी हमारे चेयरमैन साहब, मैं प्रेसिडेंट हूँ जियो का, और हमारे घेवरचंद जी बोहरा हमारे साथ में है, मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन आप सब लोग आप विधवा का विवाह करने के लिए तैयार हो जाइए, मतलब जैनों को लोकसभा में पहुंचाने के लिए तैयार हो जाइए। हमसे अच्छे तो एग्लो इंडियन हैं, कम से कम उनकी 9 सीटें हैं, मनोनी सीटें, वो 9 लोग तो पहुँच जाते हैं अपने आप, 2 लोकसभा में उनकी सीटें हैं, 2 लोग पहुंच जाते हैं, हमारी एक भी नहीं है। तो हमको इस सब चीज़ को दूर करना है, हमको इन फिगर्स को जो मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि हमारे देश की 68 पार्टियों में से 12 पार्टियाँ अलग अलग राज्यों का संचालन कर रही हैं, भाजपा 11 का कर रही है और कांग्रेस 4 का कर रही है, और इन सब से हम लोग मिल करके अपने लिए लड़ाई लड़ेंगे। बहुत खुशी की बात है कि शीर्षस्थ जो हमारे देश के लोग हैं उनसे अपना बहुत अच्छे संबंध है, और वो हमारी बात सुनने को तैयार हो गए हैं, अगर हम अच्छे से सुना सकें। जय जिनेन, जय महावीर। सभी को नमस्कार, जय जिनेन्द्र। मैं सीधा अपने पॉइंट पे ही आता हूँ। हमारे गुरुदेव श्री नए पद्म सागर जी महाराज साहब को मैं वंदन करता हूँ। उनके आशीर्वाद से 2018 में हमारा एक अधिवेशन बॉम्बे में हुआ था, उसमें चारों समुदायों के, चारों फिरकों के जैन समाज के एकत्रित हुए थे। उस टाइम से मैं, मनिंदर जी, जो भी हमारे चारों समुदायों के लोगों का काम है हम लोग मिलके कर रहे हैं और सबको जोड़ रहे हैं। दूसरी चीज़ ये है कि अभी आज हमारे जो गुरुदेव है उनकी आचार्य पदवी 11 मार्च को हुई थी, उसमें कम से कम अपने 1.5 लाख साधर्मिक भाई आए थे और कई नेता आए थे, प्रेसिडेंट, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री सब आए थे। तो उनकी सभा में हमारे गुरुदेव ने एक संकल्प लिया था कि हम कम से कम 5 साल में 3 मुख्यमंत्री बनाएंगे और 5 लोकसभा के मेंबर बनाएंगे, उन्होंने संकल्प लिया हुआ है और हम उसी के पीछे है, और ये हम लोग आप लोगों को करके दिखाएंगे। और हम मेहनत यही कर रहे हैं कि भाई अभी जैन लोग सब एक दूसरे का साथ दें, स्वार्थी है हम लोग, स्वार्थी बनने का अभी टाइम ख़त्म हो गया है, हम लोग बहुत पीछे रह गए, हम कम है पर कमज़ोर नहीं है,
आज 25% टैक्स हम इंडिया से देते हैं, जैन लोग देते हैं। और मैं एक ही निवेदन आप लोगों से करता हूं, जो भी अपना कैंडिडेट खड़ा हुआ है उसको सपोर्ट करो, तन मन धन। अगर आपके पास धन नहीं है आप सपोर्ट करो, उसके ऑफिस में जाओ, उसके साथ रहो, उनसे मिलो। तो ये हम लोगों का एक दायित्व बनता है कि जैन भाई को अपने को आगे कैसे लेना। वैसे ही हमारा जैन समाज बहुत पिछड़ रहा है, कोई किसी का नहीं है, सब हम लोग अभी इधर से जाएंगे, कुछ की कुछ बातें करेंगे। तो ये अभी आप छोड़ दो, और मेरा एक ही चीज़ कहना है कि हम लोग एकजुट रह के आगे बढ़े। और हम लोग क्या है, आगे बढ़ने के लिए जो भी तन मन धन से जो भी ज़रूरत होगी, जितने भी लोग MP में राजस्थान में जहाँ भी खड़े होंगे, उनका टिकट मिलने के बाद या टिकट मिलने वाला है उसके पहले हम बॉम्बे में एक सबको बुलाएंगे, सबके साथ बात करेंगे, बात करके उनको जो भी ज़रूरत होगी हम लोग देंगे। और हम ये जो अपना जैन चेतना मंच है उनको मैं मेरी तरफ से जियो की तरफ से 2,00,000 रुपया देने का घोषणा करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय घेवरचंद जी साहब। और जियो वास्तविक रूप से एक राष्ट्रीय संस्था है जो जैन राजनीति में उतरने वाले योग्य उम्मीदवारों को पूरी सहायता करने के लिए तत्पर है। और उन्होंने जब बात हुई थी हमारी, तभी उन्होंने इस बात को कंफर्म कर दिया था कि कर रहे हैं। और जियो के 3 राष्ट्रीय पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं, मणिंदर जी, घेवरचंद जी और चोपड़ा जी, तीनों का पुनः स्वागत अभिनंदन। सुभाष जी का कुछ कह रहे हैं, मैं अपने अध्यक्षता कर रहे आदरणीय गजराज जी गंगवाल को मैं ससम्मान आमंत्रित कर रहा हूँ। आदरणीय गजराज जी गंगवाल दिल्ली जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है हमारे मंच के, महासभा के, तीर्थ बड़ा गांव के, सड़क जाति के पुनरुद्धार करने के साथ ही 17 से ज्यादा अंतरराष्ट्रीय कंपनियों के मैनेजिंग डायरेक्टर है आदरणीय गजराज जी गंगवाल दिल्ली। उससे पहले शायद सुभाष जी कुछ बात कर रहे हैं। मैं तो सदन की अनुमति से एक सुझाव देना चाहता हूं कि जब भी कोई भी संस्था हमारी इस प्रकार का आयोजन करे तो अध्यक्ष और मुख्य अतिथि को पूरे सेशन के बीच में आमंत्रित करे बोलने के लिए। हम आखिरी में बुलवाते हैं, लोग उठ जाते हैं, तो इसलिए ये एक सुझाव मेरा है, आप लोग माने तो अच्छी बात है, 20 सेशन में आप लोगों को बुलवाइए। सबको सादर जय जिनेंद्र। समय अधिक हो गया, करीब 70% लोग यहाँ से जा चुके, लेकिन हमारा ये प्रोग्राम लाइव प्रोग्राम चल रहा है आदिनाथ चैनल में। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, रात भी हम लोग मीटिंग में बैठे हुए थे, लोगों की भावना, अभी हम एक बात कर रहे हैं कि हमको जैनियों को एक होना चाहिए, और फिर अपनी बात से भटक करके हम अपनी अपनी संस्था की बात करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरीका से एकता कैसे हो सकती है? जब राजनीतिक चेतना मंच के प्रोग्राम में हम खुद कह रहे हैं कि हमारा ना तो सितंबर, न तेरापंथी, न स्थानकवासी, किसी से कोई विरोध नहीं है। राजनीतिक चेतना मंच जो है, जैन राजनीतिक चेतना मंच, ये जैनियों के लिए बनी हुई है और सबका ही इसके अंदर में स्वागत है। सब एक साथ एक मंच में जुड़े। रात को भी इसी तरीका की बात वहाँ पर जब मीटिंग हो रही थी, हम वापस इसको तोड़ने का काम कर रहे हैं, हम जोड़ने का काम नहीं कर रहे हैं, जबकि आज के दिन संगठित होने की बातचीत है। हम जियो के भी साथ हैं, जियो हमारे साथ है, हमको इस तरीका से बैठ करके आपस में वार्तालाप करके और लोगों को सहयोग करना पड़ेगा। अगर हम अपनी संस्था की बात करें कि जियो से हम ऐसा कर रहे हैं, मैं कहूँ राजनीतिक चेतना मंच से ऐसा कर रहा हूँ, तो इससे ये संस्था नहीं चल पाएगी। और मैं एक बात फिर बता देना चाहता हूँ, मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि जैनी अपना जो धर्म है, जैन धर्म और जैन संस्कृति को बचाने के लिए, अब जैन समाज को यह समझ में आ गया कि अगर हमारी इस पर कोई खतरा आएगा तो जैन समाज सड़क पे उतरने के लिए तैयार है। हमको इस बात को मानना पड़ेगा, हम एक होकर लड़ाई लड़ सकते हैं। अगर हम अपनी संस्थाओं की अगर अलग अलग बात करेंगे तो हम कभी भी एक नहीं हो सकते। इस चीज को हम भूल रहे हैं। हर आदमी अपनी अपनी अगर डफली बजाएगा तो कुछ भी रिजल्ट नहीं आएगा। पैसा अलग चीज है। अभी किसी को कोई टिकट मिलती है और उसको जिताने का काम है, तो हमें सारी संस्थाओं को, स्थानक हो, तेरापंथ हो, कोई भी हो, हमको साथ मिल करके प्रण लेना पड़ेगा कि ये जैन कैंडिडेट है, इसका जिताने का फर्ज
हमारा है तभी उसको हम जिता सकते हैं। दूसरी बात, आज के दिन क्या होता है कि राजनीतिक पार्टियां जब जाते हो तो आपसे पूछते हैं आपकी जनसंख्या क्या है। आज भी मंच से कहा गया कि हमारी संख्या लाखों में है, आप भूल जाइए भाई साहब, जेएनयू की संख्या 4 करोड़ से ऊपर भारतवर्ष के अंदर में है। ये चीज हम सरकार को समझा नहीं पा रहे। उसका कारण क्या है कि हम अपने आप के नाम के आगे जैन नहीं लिखते, ये हमारा दुर्भाग्य है। हमें उस बात पर आगे बढ़ना पड़ेगा, हमको अपने नाम के आगे भी जैन लिखना पड़ेगा। और एक जब ये आपकी भी सरकार की जनगणना होती है तो उसमें कॉलम नंबर 6 होता है, उसमें धर्म की होती है, तो उसमें भी हमें जैन लिखना पड़ेगा। हमको इस चीज़ को पढ़ लेना पड़ेगा। मैं अभी भी कहता हूँ कि समाज को संगठित करना हो तो हम लोगों के आपस के मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मनभेद नहीं है। हमें जैन धर्म के लिए और जैन समाज के लिए काम करना है, तो हमको एक संस्था के नीचे आकर के चाहे कोई भी हो मतभेद को भुलाना पड़ेगा। मिलजुल के काम करेंगे, सबको मिल के काम करने से ही हमारा कल्याण हो सकता है। आज समस्याएं समाज के सामने बहुत है और रोज हम समस्याओं से जूझ रहे हैं। उन समाज समस्याओं से अगर निजात पाना है तो समाज एकता को और संगठित होने की जरूरत है। इस चीज़ को समझ करके ही आगे की कार्रवाई होनी चाहिए। आज जो मध्य प्रदेश में ये अधिवेशन हुआ है और हमारे सुभाष जी काला जो मध्य प्रदेश के अध्यक्ष हैं, इनको और इनके टीम को बहुत बहुत ये बधाई के पात्र हैं जिसने इतना बढ़िया ऑर्गेनाइज किया। मैं एक बात बता दूं, आज के इस अधिवेशन से मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि अभी कारवा बढ़ रहा है, दिन पर दिन लोग जुड़ेंगे और जैन समाज अपनी शक्ति प्रदर्शन करने के लिए अब तैयार हो रहा है। इसके बाद जो अधिवेशन होगा उसके अंदर में मैं उम्मीद करता हूँ कम से कम 5,000 आदमी होंगे, और दूसरा जो अधिवेशन होगा उसमें 50,000 जैन इकट्ठे होंगे और इसकी तैयारी पूरी चल रही है। इसलिए एक मंच से चाहे 4 संस्था के लोग हों, 5 संस्था के लोग हों, लेकिन हमें अपनी एकजुटता को साथ दिखाना है ताकि गलत मैसेज पूरे समाज के अंदर न जाए और हम कैसे संगठित हों, अपने मतभेद को भुला करके कैसे एक हों, उस पर चर्चा होनी जरूरी है। उसके आधार पर ही जैन समाज का कल्याण हो सकता है। मैं इसके साथ ही अपनी बात पर विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद गंगवाल साहब, आपके नेतृत्व में राजनीतिक चेतना मंच निश्चित रूप से राजनीतिक क्षेत्र में हमारे योग्य उम्मीदवारों को और समस्त राजनीति में चाहने वाले प्रतिनिधियों को आगे बढ़ाने में ये संस्था पूरी सहयोग करेगी और तत्परता से जुड़ी रहेगी। अब हम अंत सभा की समाप्ति की ओर है, आप सभी यहाँ बैठे रहें, हम अभी एक आभार करेंगे। आभार से पहले थोड़ा हंसमुख हो जाए, एकदम बहुत निश्चल होकर चलें। कोई रात पूनम तो कोई रात अमावस, पर चांदनी उसकी जो चांद बना सीख ले। यूं तो आए हैं इस दुनिया में हम सब रोते हुए, लेकिन सारा जहां उसका है। हर आदमी की टिकट है, किसकी? सारा जहां उसका है जो मुस्कुराना सीख ले, या कह दे हंसमुख होना सीख ले। सब हंसमुख हो जाए, मुस्कुरा जाए। और अब अंतिम में मैं अशोक बड़जाते जी को आमंत्रित करता हूँ, एक साझा अपील तैयार की आपके सम्मुख वो वाचन कर रहे हैं, और उसके बाद आभार के लिए हमारे श्री प्रदीप जी गंगवाल और गौतम जी जैन आपके सम्मुख प्रस्तुत करेंगे। श्री अशोक जी बड़जाते जो आज का संकल्प पत्र और एक साझा अपील है वो वाचन करें। ये समय है कि हम अपने आप को प्रतिबद्ध करें, स्वयं के प्रति और समाज के प्रति। एक अपील का आप सब लोगों की सहमति से पारित करना है, जो कि हमारे ज्ञापन जो जाएंगे विभिन्न राजनीतिक दलों को, शहर का अध्यक्ष हो, प्रदेश का अध्यक्ष हो, राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, नगर किसी का भी अध्यक्ष हो, उन सबको राजनीतिक पार्टी के लोगों को देंगे। साझा अपील, जैन राजनीतिक मंच समाज के 100% नागरिक की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करती है। वी डू नॉट रिप्रेजेंट, हम सारे समाज का भी प्रतिनिधित्व की बात नहीं करें, पर आकांक्षाएं जो जैन समाज का हर व्यक्ति जानता है उसका हम प्रतिनिधित्व करते हैं। सकल समाज के खुले मंच की सभा में आज भारत के समस्त राजनीतिक पार्टियों से आह्वान किया गया कि आर्थिक रूप से देश की संपत्ति में सर्वाधिक योगदान देने वाला एवं सर्वाधिक रोजगार प्रदान करने वाला समाज अपने आप को राजनीतिक रूप से उपेक्षित महसूस करता है। अतः इस साझा अपील के माध्यम से
हम आपसे अर्थात सभी राजनीतिक दलों से यह निवेदन करते हैं कि भविष्य में होने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव एवं 2024 के संसद में होने वाले चुनाव में जैन समाज को वरीयता प्रदान करते हुए उचित प्रतिनिधित्व प्रदान किया जाए। समाज जन यह भी तीव्रता से महसूस करते हैं कि उन्हें जारी होने वाली विधायकों एवं सांसदों की सूची में कम से कम 5 से 10% स्थान प्रदान किया जाना चाहिए। ऐसा न होने की अवस्था में समाज जन उचित निर्णय लेंगे, ऐसा भी सर्वानुमति से निर्णय लिया गया। आशा है आप समाज की भावनाओं को उचित सम्मान देते हुए पार्टी एवं देश हित में निर्णय लेकर उसे कार्यान्वित करेंगे। इसके साथ यह भी निर्णय लिया गया कि टिकट प्राप्त अभ्यर्थी को आर्थिक संबल देने के लिए देने के दायित्व को समाज पूर्ण रूप से निभाएगा एवं विपुल कार्यकर्ता भी उपलब्ध कराएगा। जैन समाज का राजनीतिक दलों से यही नम्र निवेदन है कि अधिक से अधिक जैन योग्य उम्मीदवारों को पार्टी का टिकट प्रदान कर समाज की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करें। यह अपील रविवार दिनांक 6 अगस्त 2023 को समग्र जैन समाज की रविंद्र नाट्यगृह में हुई महती सभा में सर्वानुमति से पारित की गई। इंदौर दिनांक 6 अगस्त 2023। अगर आप सब इस बात से सहमत हैं तो कृपया अपने दोनों हाथ उठाकर, अब मैं बोलूँगा क्या आप सब सहमत हैं तो अपने उच्च स्वर से कहें हाँ। क्या आप सब लोग इससे सर्वानुमति से सहमत हैं? मैं यह घोषित करता हूँ कि यह जो अपील है ये सर्वानुमति से आज की सभा में पारित की गई। अब दूसरी बात, अब ये संकल्प हमको भी लेना है। हमने तो ये अपेक्षा कर ली राजनीतिक दलों से, आर वी रेडी टू बाइंड अवर सेल्स, क्या हम अपने आप को भी प्रतिबद्ध करते हैं? दूसरा है संकल्प पत्र जिस पे आपने साइन की होगी, फोटो नहीं हुआ था क्या भाई साहब? ठीक है, एक और संकल्प पत्र हम सबको भी प्रतिबद्ध करना होगा। हम अपनी आकांक्षाएं करें और खुद को कटिबद्ध न करें, ऐसा तो होगा नहीं कोई दुनिया में। संकल्प पत्र आपने सबने साइन किए, जिनने नहीं किए कृपया बाहर पेपर रखा हुआ है। कोई चीज नहीं मिलती है तो उसे छीनना पड़ता है, और कहते हैं किसी ने लिखा है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि बंदे से खुदा पूछे कि बता तेरी रजा क्या। आपका परिचय? मैं अर्चना जैन नीति आयोग सदस्य हूँ और मुझे ऑल इंडिया से चुना गया है, और मैं अभी हिंदी के लिए भी काम कर रही हूँ क्योंकि मुझे आचार्य गुरुवर का थोड़ा सा संदेश मिला था कि हिंदी के लिए काम करें, तो अभी मैंने पेट्रोलियम विभाग अपना बदल दिया था और मैं अभी हिंदी पे काम कर रही हूँ, और दिल्ली मेट्रो के लिए भी मेरा नाम है। आज हमारे बीच में हमारी ही बहन अर्चना जी जैन, जो नीति आयोग की एकमात्र जैन समाज ही नहीं शायद पूरे विश्व से एकमात्र जैन प्रतिनिधित्व करने वाली हमारे बीच में है। ये हम सबका सौभाग्य है, जैन समाज का सौभाग्य है कि इतनी बड़ी पद पर हमारी बहन है। हम अगर चेष्टा करेंगे तो ज़रूर आज का जो कार्यक्रम हुआ उसमें हम सक्सेस होंगे। हम सभी का निवेदन, ये जैन चैनल आदिनाथ चैनल जो करीब 172 देशों में इसका सीधा प्रसारण आपका किया जाएगा, हम आपसे यही कहते हैं कि जैन समाज को क्या करना चाहिए कि वो राजनीतिक में आया गया है, जिससे जो आज हमारे साथ में मंदिरों के साथ में, आज हमारे तीर्थ क्षेत्रों के साथ में, हमारे साधुओं के साथ में जो ऐसा हो रहा है वो नहीं हो। और आप हमारी बात को माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय अमित शाह जी या जो भी सरकार में है उनके पास पहुँचाएँ, ऐसी भावना के साथ में हम आपसे ये निवेदन करते हैं कि आप अपना वक्तव्य देकर हम सबको अनुग्रहित करें। जय जनैन, मैं अपना परिचय दे रही हूँ। मैं अर्चना जैन नीति आयोग सदस्य, और मुझे पूरे भारतवर्ष से चुना गया है, तो ये आशीर्वाद सिर्फ मेरे गुरुवर का है। और कहीं ना कहीं मैं इस चीज़ को मान के चलती हूँ कि जहाँ गुरुओं का आशीर्वाद होता है वहाँ हर चीज़ संभव होती है, वहाँ कुछ असंभव नहीं होता है। लेकिन आज मैं एक कार्यक्रम में आई हुई हूँ, जैन राजनीतिक चेतना मंच जो इंदौर में आयोजित हुआ है, तो वैसे तो मेरा कार्यक्रम यहाँ नहीं था, लेकिन फिर भी ये भगवान का ही वो होता है कि कब किसको किस समय मिलाना है। और आज मुझे सब प्रतिष्ठित प्रवृत्तजनों से गोष्ठी हुई, गोष्ठी के बाद मुझे सबके उद्गार मिले, और ये बिल्कुल सत्य है कि अगर
अभी आगे का समय अगर हमें ऐसे ही निकालना है तो हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अब तक हमने जो सहन किया वो आगे नहीं किया जाएगा, क्योंकि हम ही हैं एक छोटी अल्पसंख्यक होने के बावजूद भी हम देश को, राष्ट्र को इतना अधिक मात्रा में टैक्स भर रहे हैं जिससे भारतवर्ष चल रहा है। हमें अपेक्षित किया जाता है, हमें ही हर क्षेत्र में पीछे कर दिया जाता है। देखिए आप हर जगह कहीं भी सांसद का हो चुनाव, चाहे विधायक का चुनाव हो, चाहे नगरीय निकाय चुनाव हो, और चाहे छोटे मोटे किसी भी उस पर, अरे आप लोग तो बिजनेसमैन हैं, आप लोगों को क्या करना है राजनीति में आके। और हम लोग भी ये सोच लेते हैं कि भाई हमें शायद धंधे से बिजनेस से समय नहीं है, लेकिन अब ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें एकजुट होके अब हमें राजनीति में अपना परचम लहराना है। अभी पूर्व में जैसे कि शिखर जी में कितना ज़्यादा हम लोगों को कष्टदायक समय रहा कि वहाँ पे एक पर्यटन स्थल बनाया जा रहा है जो हमारा सबसे श्रेष्ठ तीर्थ है, पूजनीय है, और उस समय भी कोई ऐसा प्रतिनिधित्व नहीं था कि जिसके भरोसे हम जाके अपनी बात कह सकते, अपने दुख कह सकते, कितनी गिलानी की बात थी। और आज हम यही चाहेंगे कि हमारा हर क्षेत्र में हमारा गॉडफादर होना चाहिए, एक सक्षम व्यक्ति जिसके कंधों पर राजनीति की जा सके। तो कैसे होगी, कहीं ना कहीं हमें एकजुट होना है। हम जैन बंधुओं से मेरा सविनय करबद्ध प्रार्थना है, निवेदन है मेरा, कि अब समय आ गया है कि हमें रोडों पर निकलना हो, हमें विरोध करना हो, या हमें किसी भी निर्णय को लेना हो, लेकिन हमें अपनी जगह निर्धारित करना है। और आप जो मुझे सुन रहे हैं, आप अपने घर से, अपने नगर से, अपने शहर से आज ही शुरुआत करें कि हमें अपनी जाति को, धर्म को बचाना है तो हमें राजनीति में आना ही पड़ेगा। जय जनेन्द्र, धन्यवाद। हमारा एक और निवेदन है कि आने वाली 27 अक्टूबर को करीब 15 ट्रेन और 4 फ्लाइटों के द्वारा हम श्री सम्मेद शिखर जी की यात्रा करीब 7,500 लोगों को लेकर के जा रहे हैं, जिसमें पूरे भारत से दिल्ली, जयपुर, अजमेर, किशनगढ़, ब्यावर, अहमदाबाद, बड़ौदा, सूरत, महसाना, इचलकरंजी, सदलगा, लुधियाना, चंडीगढ़, सभी जगह से करीब 15 ट्रेन है। एक दिन का समय अगर आप भी निकालें हमारे साथ में इस यात्रा में चलने के लिए, तो सारे देश से वहाँ पे सब अच्छे लोग वहाँ पर आएंगे। और हम ऐसे लोगों को भी लेके जाते हैं जो किसी कारण से भी वहाँ नहीं जा सकते हों, ऐसे आर्थिक कारण से और किसी कारण से, हम उन सब लोगों को भी इस यात्रा में लेके जाते हैं। आपसे भी हमारा निवेदन है कि मात्र एक दिन का समय, संडे का 28 तारीख का आप निकाल करके और हमारी इस यात्रा में अवश्य चले और देखें कि हमारा सम्मेद शिखर जी में अभी कितनी उन्नति हो रही है। मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज द्वारा ऐसा ऐसा कार्यक्रम वहाँ किया जा रहा है, ऐसी ऐसी रचना की जा रही है कि शायद हमने कभी सोचा भी नहीं था। तो आपसे हमारा इस बारे में भी निवेदन है कि एक दिन का समय आप अवश्य निकाल करके, चाहे फ्लाइट से चले, चाहे ट्रेन से चले, जैसी आपकी इच्छा हो जरूर चल करके हम सब जैन समाज को आप अनुग्रहित करें और वहाँ अपनी बात बोलें कि जब मैं इतनी बड़ी पोस्ट पे आ सकती हूँ तो आप भी कुछ कर सकते हैं। ये जब ही होगा, जब आप हम सबको बताएंगे, जब ही ये सब कुछ संभव होगा। सबसे पहले तो मैं भाई साहब आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं दे रही हूँ कि आप जो कार्य करते रहते हैं मैं देखती रहती हूँ। जब कभी मुझे घर जाने का टाइम मिलता है तो मैं टीवी भी देख लेती हूँ, और मैं सिर्फ और सिर्फ दो ही चैनल देखती हूँ, एक जनवाणी, पारस, तीन चैनल आदिनाथ, और इसके बाद कभी कभी हुआ तो फिर न्यूज। और जब मैं देखती हूँ कि आप इतना अच्छा धर्म के क्षेत्र में काम कर रहे हैं तो बड़ा मन प्रसन्न हो जाता है, थोड़ी देर के लिए मुझे सुख मिल जाता है। और जो आप कार्य कर रहे हैं, मैं कोशिश करूँगी एक दिन का टाइम निकालने का, और अवश्य से अवश्य मैं वहाँ पहुँचूँगी, जितना भी समय रहेगा उसमें उपस्थित रहूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज इंदौर की महानगर में जैन राजनीतिक चेतना मंच का जो अधिवेशन हुआ है, उसका निष्कर्ष ये निकला है कि जैन समाज एक मंच पर हो, चाहे दिगंबर हो, चाहे श्वेतंबर हो, चाहे कोई भी स्थानकवासी या किसी भी प्रकार का सिर्फ जैन हो, तो इस जैन राजनीतिक चेतना मंच के उद्देश्य को लेकर ये बहुत बड़ी अधिवेशन हुआ है। इस अधिवेशन में ये प्रस्ताव पारित हुआ है कि जो भी हमें यहाँ से अपने राजनीतिक जो पार्टियाँ हैं उनको अपन, ये अधिवेशन में जो प्रस्ताव पास हुए हैं कि हमें राजनीति जैन समाज के प्रतिनिधियों को टिकट देना है, ऐसा बहुमत से ये प्रस्ताव पास हुआ है और सारी पार्टियों को भेजा जा रहा है। हम एकजुट होकर इस
जैन समाज को बहुत बड़ा संगठन बनाकर हम कभी हिंदुस्तान की जनसंख्या में 4 करोड़ के आसपास हैं और हम जैन समाज के लिए हमारा एक भी प्रतिनिधि ना तो विधायक हैं ना सांसद हैं, हम इन अपनी संख्या के आधार पर सांसद और विधायक के प्रतिनिधि भेजना चाहते हैं और उनको जिताने के लिए तन मन धन से सहयोग करना चाहते हैं।